जयसिंह जी कैसे हैं सब लोग भाई? ठीक हो? दीपावली सबकी अच्छी रही। आज 18 नवंबर को अपन वर्क एनर्जी पावर का फर्स्ट पार्ट अपलोड कर रहे हैं आपके लिए। ये सातवां गुरु नीति का वीडियो फिजिक्स का, जैसा पता है कि टोटल 180 वीडियो आएंगे, 45 फिजिक्स, 45 केमिस्ट्री, 90 बायोलॉजी। वैसे मुझे कहते बहुत खुशी हो रही, कल 19 नवंबर को गुरु नीति जेई आईआईटी के बच्चों के भी दोस्तों वीडियो अपलोड होना स्टार्ट हो जाएंगे। आपके अपने सीएलसी रिपीटर फ्रेशर सबके लिए बैचेस स्टार्ट करने जा रही है। ओके डियर, कल 19 नवंबर से सेपरेट बैच स्टार्ट हो रहे हैं, ऑनलाइन क्लासेस चल रही है, बच्चे सीकर में हॉस्टल में आना स्टार्ट हो गए हैं, ऑफलाइन डाउट काउंटर स्टार्ट हो गए हैं। आप आए ऑफलाइन डाउट काउंटर को आके डाउट खत्म करें, हॉस्टल रहना स्टार्ट करें। और स्पष्ट कहता हूं भाई, जहां भी इस वीडियो देख रहे हो आप, इस एक साल के लिए आईटी या मेडिकल की तैयारी करनी है तो आप सीकर आ जाएं, जहां सारी व्यवस्थाएं आपके अपने सेल से आपको दे रही है। ओके, शुरू करें क्वेश्चन। तो किशोर सर, जानते हैं आप किशोर हैं, मेरा चेहरा सर आपके लिए चिर बिल्कुल दोनों का चेहरा चिरपरिचित हो गया। यस, आनोडी है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये कहता 1 kg मास का एक पिंड 20 मीटर पर सेकंड के वेग से ऊपर की ओर फेंका, 18 मीटर की ऊंचाई प्राप्त करने पर क्षण भर के लिए रेस्ट कंडीशन में आ गया। तो दोस्तों सांप कहता है लॉस्ट ड्यू टू एयर फ्रिक्शन, सांप कहता है कि हाउ मच एनर्जी, कितनी ऊर्जा का लॉस घर्षण के कारण हो गया। ठीक है, तो अपन इसको इस तरह से करें किशोर पुत्र कि ये अर्थ है, आपने बॉडी ऊपर की ओर फेंकी और ये जो बॉडी आपकी 18 मीटर पे है, कहां पर है 18 मीटर पे है, तब एक बार ये रुक गई, रेस्ट में आ गई। तो कहता है कि फ्रिक्शन में एनर्जी का लॉस क्या हुआ। तो भाई एक बात हम जानते हैं दोस्तों, इस टॉपिक में एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क एनर्जी थ्योरम, डब्ल्यू इक्वल टू डेल्टा के, और डेल्टा के का मतलब है के फाइनल माइनस के इनिशियल। ठीक है, लो इस टॉपिक को मैं इस क्वेश्चन को करने से पहले, तो इस क्वेश्चन को पेज खाली कर दे, इस क्वेश्चन को भी कर देता हूं, उसके बाद थ्योरी की बात भी करूंगा। ये बॉडी दोस्तों कहां है, 18 मीटर पे है। एक बार वापस क्वेश्चन लिखना बेटा जी मेरे को, इस बॉडी को ऊपर की ओर आपने किस वेलोसिटी से फेंका था किशोर पुत्र, बोलना 20 मीटर पर सेकंड। देखो 20 मीटर पर सेकंड से आपने फेंका, 18 मीटर की हाइट पे बॉडी क्या आ गई, रेस्ट कंडीशन में आ गई। ध्यान देना, अगला खुद कह रहा रेस्ट कंडीशन में आ गई, 18 मीटर पे है, रेस्ट कंडीशन पे है, 20 से फेंका है आपने, तो वो कहता है कि एयर फ्रिक्शन जो है उसके कारण एनर्जी लॉस क्या हुआ। ओके भैया, पेज खाली करें। तो दोस्तों डब्ल्यू इक्वल टू आपके सामने सामने क्या है, के फाइनल माइनस के इनिशियल। दोस्तों डेल्टा सुन लो भाई, परिवर्तन, परिवर्तन का मतलब हमेशा किशोर क्या होगा, फाइनल माइनस इनिशियल। ओके डियर, डब्ल्यू अब वर्क कहां कहां है, तो देखो दोस्तों एक तो इसमें डब्ल्यू है जी, और एक इसमें डब्ल्यू है फ्रिक्शन, ऐसे लिख दूं आपको तो बोलो बोलो। यस, आप भी किशोर बोले, डब्ल्यू जी मतलब ग्रेविटेशन के खिलाफ कार्य, एफ का मतलब फ्रिक्शन के खिलाफ है कार्य। अब आप एक बात देखो, जी किधर लगता है, नीचे की ओर, बॉडी किधर जा रही है, ऊपर की ओर, तो कॉमन सेंस की बात है दोनों के बीच कितना एंगल हो गया 180। एक बात अपन साइड में कर ले कलर चेंज करके, आप सब जानते हो डब्ल्यू का एक सिंपल फॉर्मूला क्या होता है, ये सब जानते हैं आप लोग। तो थीटा 180 हो गया, कैसे, जी नीचे की ओर, बॉडी ऊपर की ओर, तो कोस 180 क्या होता, माइनस माइनस, तो इसको अपन कहेंगे माइनस mgh। इसके बारे में मुझे कुछ नहीं पता अभी, तो इसको मैं डब्ल्यू एफ कह देता हूं। के फाइनल क्या है बोलना भैया, जीरो, स्टॉप हो गया, कैसे हुआ जीरो, स्टॉप हो गया, माइनस के इनिशियल कितना उत्तर, हाफ एम स्क्वायर, इसको मिटा दूं भैया, आप देख चुके हो डायग्राम, कोई खास बात नहीं है। अब आप देखो एम क्वेश्चन माना बेटा जी, एम कितना है, 1 kg वापस आ जाए, एम है 1, जी कितना है 10, एच कितना है 18, प्लस कौन है डब्ल्यू एफ इक्वल टू है 0 माइनस हाफ एम कितना बोल रहा है 1, वी कितना है लिखना भैया 20, देखो 20 हो रहा, तो कितना हो गया 400, इसको काट दो बेटा जी, कितना बचा 200 बचा, ये तेरा क्या है 180 प्लस क्या है डब्ल्यू एफ इक्वल टू क्या है माइनस 200। ओके डियर, तो डब्ल्यू एफ लास्ट में क्या बच गया माइनस 20, यानी क्वेश्चन में आ जाओ घर्षण के खिलाफ दोस्तों माइनस 20, घर्षण में खर्च हुआ माइनस 20 कमी हुई तरह से, तो इसमें प्लस माइनस का आंसर है नहीं, केवल प्लस है, तो आंसर क्या दे देंगे 20। तो ये अच्छा क्वेश्चन था। ओके डियर, पेज खाली करें। अगले क्वेश्चन पे जाने से पहले मैं आपको वर्क एनर्जी थ्योरम क्या है बिल्कुल बात कर ले, इस टॉपिक की जान हुई है, इस टॉपिक की जान हुई है। देखो डियर सुनो,
डब्ल्यू इक्वल टू है डेल्टा के। ये कैसे आया? डेल्टा के का मतलब आप जानते हो कि फाइनल माइनस के इनिशियल, के फाइनल का मतलब यूं कह सकता हूं हाफ एम वी फाइनल का स्क्वायर माइनस हाफ एम वी इनिशियल का स्क्वायर। यस, ये कहां से आया? तो इसके लिए मैं आपको गति का तीसरा समीकरण पढ़ाऊं, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस टू ए एस। सब जानते हो, आप ऐसा करो इसको हाफ एम से एम बाई टू से मल्टीप्लाई कर दो, ये एम यू स्क्वायर हाफ एम टू ए एस हाफ एम वी स्क्वायर। हम जानते हैं यू होता है इनिशियल, वी होता है फाइनल, तो ये क्या हो गया फाइनल, के काम दे रहे हैं के फाइनल के इनिशियल प्लस टू से टू कैंसिल एम ए एस। एम ए क्या होता है? फोर्स। पूरी पूरी बात है जैसे के साथ एफ इक्वल टू क्या होता है एम ए। तो तेरे सामने क्या हुआ के फाइनल इक्वल टू के इनिशियल प्लस एफ एस। एफ एस क्या होता है डब्ल्यू। ओके, तो तेरे सामने डब्ल्यू क्या आ गया के फाइनल माइनस के इनिशियल, तो डब्ल्यू इक्वल टू क्या आ गया डेल्टा। आया सारा खेल इसी पे है, इसमें डब्ल्यू इक्वल टू डेल्टा के। बेटा इसको आगे चलने के बाद वापस खाली करते बेटा। अब एक बात और बताओ मधुसूदन सर, यहां एक चीज होती है के प्लस यू इक्वल टू ऑलवेज कॉन्स्टेंट। के मतलब काइनेटिक, यू मतलब पोटेंशियल, इन दोनों एनर्जियों का जो सम है वो कांस्टेंट है, बट कब है फ्लेक्सिबल होती है? यस, कब है? कंजर्वेटिव फोर्स में। यहां एक बात सुना दोस्तों, फोर्स दो प्रकार के होते हैं, एक संरक्षी एक असंरक्षी, एक कंजर्वेटिव एक नॉन कंजर्वेटिव। आपको मेरे साथियों ने क्लास में पढ़ाया होगा, एक सिंपल लाइन है, कंजर्वेटिव वह है जिस पे वर्क पथ पे डिपेंड नहीं करता, और नॉन कंजर्वेटिव वह है जिस पे वर्क पथ पे डिपेंड करता है। बस इतनी बात है, बाकी तो लंबी चौड़ी थोड़ी क्लास में टीचर पढ़ाते हैं, सब पढ़ते हैं। अब यहां जब k + u = कांस्टेंट, यानी दोनों का सम कांस्टेंट है, दोनों का सम कांस्टेंट का मतलब है k का परिवर्तन और u का परिवर्तन का सम क्या हो गया जीरो। यानी दोस्तों डेल्टा k = क्या आएगा माइनस डेल्टा u, तो w = डेल्टा k भी कह सकते हो और w = माइनस डेल्टा u भी कह सकते हो। थोड़ा सा दोस्तों इसको मैं कलर चेंज करके दूसरी परिभाषा में आपको लेके आऊं, तो W इक्वल टू डेल्टा के पॉजिटिव है ये तो बनेगा के फाइनल माइनस के इनिशियल, पर W इक्वल टू माइनस डेल्टा U है ये बनेगा के इनिशियल। ऐसे लगा दो के फाइनल माइनस के इनिशियल, तो आप इसको ऐसे भी कह सकते हो के इनिशियल माइनस के फाइनल। लेकिन बेटा जी फिजिक्स में याद रख लो चेंज परिवर्तन का मतलब हमेशा अंतिम माइनस प्रारंभ है, फाइनल माइनस इनिशियल। तो ये एक वर्क एनर्जी पावर के रूप में, थ्योरम के रूप में आपसे बात हुई, जो आगे जैसे आवश्यकता पड़ती जाएगी अपन बात को करते जाएंगे। कार्य की सिंपल परिभाषा बताएं तो आप सब जानते हो दोस्तों डब्ल्यू इक्वल टू क्या होता है एफ डॉट डी। एफ क्या है वेक्टर क्वांटिटी, डी क्या है वेक्टर क्वांटिटी, पॉइंट आ गया ये क्या बन गई स्केलर क्वांटिटी। फिर आप जानते हो अच्छी तरह से डब्ल्यू इक्वल टू क्या है एफ कोस थीटा। थीटा दोस्तों जीरो भी हो सकता है, थीटा अधिकतम 180 भी हो सकता है। याद करो थीटा जीरो होगा तो डब्ल्यू पॉजिटिव हो जाएगा, थीटा 180 है तो डब्ल्यू नेगेटिव हो जाएगा। या यूं कह सकते हैं सर कि जीरो से 90 तक है तब तो वर्क क्या होगा पॉजिटिव, और 90 से ऊपर चल के 180 तक है तो वर्क क्या होगा नेगेटिव। 90 में क्या होता है जीरो होता है, cos 90 जीरो है। यानी कौन 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 फोर्स और विस्थापन, विस्थापन बल और विस्थापन के बीच का एंगल यदि 0 से 90 तक है तो पॉजिटिव 90 जीरो है, और 90 से लेके 180 तक है तो नेगेटिव है, और 180 पे क्या हो जाएगा मैक्सिमम हो जाएगा। बिल्कुल, जीरो पे प्लस मैक्सिमम है और माइनस नेगेटिव, 180 पे नेगेटिव। तो संख्यात्मक वैल्यू दोनों की बराबर होगी, केवल साइन का फर्क रहेगा। ये हमारा एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है। ओके, अब अपन आगे बढ़े क्वेश्चन पे आ जाओ। क्वेश्चन देखो दोस्तों, ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है। मूल बिंदु पे रखिए 5 kg। देखो दोस्तों ये कोई ऐसा मूल बिंदु बनाए क्यों, बिल्कुल ये आपकी एक मूल बिंदु है, इस पे 5 kg की कोई वस्तु रखी हुई है, एक्स एक्स पे गति कर रही है, इस अक्ष पे 60 डिग्री पे कोण बनाते हुए, देखो दोस्तों यहां से अपन इसका कलर चेंज कर ले, ये देखो 60 डिग्री का कोण बनाते हुए कितना फोर्स लगाया 10 न्यूटन का फोर्स लगा दिया, और ये अक्ष अक्ष के अनुदिश जो है वो कितना चली भैया 4 मीटर। तो इस बल के द्वारा किया गया कार्य क्या है? बिल्कुल, अक्सर वीडियो देखने के बाद कई बच्चों कमेंट्स आते हैं कि सर किशोर सर को उसका बोलने दिया, अब मैं क्या करूं, बोलते हैं कि भाई आपको बोला कर भाई थोड़ा सा। बिल्कुल बिल्कुल, ये क्या देखो दोस्तों गुरु नीति में जो वर्क हो रहा है
मैं ये कह सकता हूं, मैं तो केवल डायलॉग बोल रहा हूं, स्क्रिप्ट इन्हीं की लिखी होती है। मेरे को माफी चाहता हूं, एक एग्जांपल दे रहा हूं, पता नहीं गलत है सही है। मोदी जी अमिताभ बच्चन के पास गए और उन्होंने कहा कि साहब बच्चन साहब, हमें गुजरात के टूरिज्म का आपसे प्रचार प्रसार कराना है, हमारी ब्रांडिंग करानी है। तो अमिताभ बच्चन ने कहा मोदी जी को कि सर मेरा चेहरा और मेरी आवाज जहां भी गुजरात के काम आ सकती है आप काम ले सकते हो। तो मैं तो इतना कह रहा हूं, मेरा चेहरा और आवाज है, बाकी स्क्रिप्ट इन्हीं लोगों की बनी हुई है। और ये एक भाई ने कल कहा था कि साहब कोई राजस्थान की दूसरी कोचिंग है, वो भी कोई दो टीचर खड़े करके ऐसे पढ़ा रहे हैं। भाई कौन क्या पढ़ा हमें नहीं पता, हम तो दोनों बाप बेटे बैठे थे, आइडिया दिमाग में आया, हमने हमारा काम शुरू कर दिया। नकल करते ना डियर, तो सीएलसी नहीं होती, सीएलसी नकल नहीं है, सीएलसी मूल है, थोड़ा ध्यान रखें। कुछ माफी चाहता हूं, कुछ लोग इस वीडियो को डिसलाइक भी करते हैं, मेरे अब तक नहीं पल्ले पड़ा भाई, हम तो पवित्र काम कर रहे हैं। मत देख बूढ़े आदमी यार, भाई कहां देख दिक्कत तेरे को यार, कौन सा तेरे चार्ज ले रहे हैं, कौन से तेरे को हम कोई राजनीति की बात कर रहे हैं, कौन से तेरे से हम कोई संप्रदाय की बात कर रहे हैं, तो सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं। मेरी चार टीम लगी हुई है, एक दो दो जूलॉजी में, दो बोटनी में, दो फिजिक्स में, दो केमिस्ट्री में। तो थोड़ा सा ऐसे लोगों से मैं अपील करता हूं कि पॉजिटिव मानसिकता से काम करें। कोई आदमी पवित्र काम कर रहा है उसे मोटिवेट करें यार, आपको पॉजिटिव काम तो उनको पॉजिटिव होना चाहिए, सपोर्ट होना चाहिए, अच्छा लगता। बाकी तो क्या पड़ता है दोस्तों, मानो तो गंगा जल, ना मानो तो बहता पानी। ओके आ जाओ वापस। तो अब आप देखो ये 5 kg है, ये 60 newton इधर है, 60 degree पे है, इस कंपोनेंट को चेंज कर दो। तो आप जानते हो क्या बनता है, cos थीटा, याद है ना। देखो ये भी सिखा दूंगा आपको मैं, ये कोई चीज r है, ये थीटा है, तो इसका जो rx कंपोनेंट है वो क्या बनता है, r cos थीटा, और इसका जो ry कंपोनेंट है वो क्या बनता है पुत्र, r sin थीटा। अब आपको कहां लेना कंपोनेंट, पेज खाली करना, यहां लेना दोस्तों, तो w equal to क्या रहेगा, fd cos theta, what is f, 10 newton, what is d, 4, cos कितना है, 60, cos 60 कितना होता है, 1/2, 2 से 2 कैंसिल आउट कर दो, आंसर क्या आ गया भैया, प्लस 20 जूल, बिल्कुल प्लस आ गया भैया, क्वेश्चन में आ गया। तो दोस्तों आंसर क्या आ गया भैया, 20 जूल। एक बड़ा सिंपल क्वेश्चन था, कंपोनेंट तोड़ना सिखा दिया। मैं तो इस तरह पढ़ा रहा हूं कि आखिरी बच्चे से बात कर रहा हूं, मैं तो ये मानता हूं कि 11th क्लास का बच्चा भी इस वीडियो को देख रहा है। मैं तो उसको फिजिक्स पढ़ा रहा हूं भैया, जिसको फिजिक्स भूत लगती है और उसको 150 नंबर डालने की विषय है। ये 180 वीडियो जब दोस्तों अपलोड होंगे, जो लोग देख रहे हैं, जो पहला वीडियो अपना, बिल्कुल उस पर भाई 23,000 व्यू हो चुके हैं। तो मैं उन सबको सलूट करता हूं जो हमारे काम को अप्रिशिएट कर रहे हैं और हमारी इस एनर्जी को, हमारे काम को वो अपने भविष्य में काम, अपना भविष्य बनाने में काम ले रहे हैं। तो हमें लगता है हमारे यज्ञ का कोई फल मिल रहा है, हमारे यज्ञ, हमारे आहुति का है, एक परिणाम आ रहा है। अपने टॉपर बच्चे बहुत उनको देखते हैं, उनका कमेंट या फोन आते हैं, हाँ सही बहुत शानदार रहता है। अल्टीमेट हो गया डियर, आगे चले थर्ड क्वेश्चन पे आ जाओ। एक 100 ग्राम की कड़ को ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका, गुरुत्वीय बल के कारण अधिकतम ऊंचाई तक पहुंचने में। अब देखो ये अच्छा क्वेश्चन, लो ध्यान दो, ये नीचे की ओर है, ये बॉडी यहां है, इसको ऊपर की ओर फेंका, ऊपर की ओर फेंका अधिकतम ऊंचाई। दोस्तों अधिकतम ऊंचाई हमेशा वो होती है जहां अंतिम वेलोसिटी क्या बन जाती है, जीरो। कॉमन सेंस की बात, एक वस्तु ऊपर फेंको, ये ऊपर कब तक जाएगी यार, जब तक वेलोसिटी है। तो जैसे वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, वो ऊंचाई क्या हो जाएगी, अधिकतम, वापस गिरना शुरू होगी। अब आप खुद देखो वस्तु किधर जा रही है, ऊपर की ओर, एस ऊपर की ओर है और जी नीचे की ओर है। तो दोस्तों थीटा कितना हो गया, 180। यस, तो डब्ल्यू इक्वल टू एफ डी कॉस 180। अब तू जानता व्हाट इज डब्ल्यू एफ, एम जी, या एफ क्या आएगा, एमजी, ओके, एम कितना है किशोर पुत्र, 100 ग्राम, 0.1 kg। जी की वैल्यू क्या है, 10 ले लो। डी कितना लिया डियर, अगला साहब कहता है गुरुत्वीय बल के कारण अधिकतम ऊंचाई तक पहुंचने में किया गया कार्य, पूछा अगले ने। दोस्तों जरूरत ही नहीं इसकी, अपने को इससे निकाल, अपने जरूरत ही नहीं इसकी, अपने इससे निकाल लेंगे। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल इसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी ना, सिंपल सा फॉर्मूला हो गया फिर तो। दोस्तों डब्ल्यू इक्वल टू डेल्टा, कैसे जरूरत नहीं पड़ा, हाफ एम वी फाइनल का स्क्वायर माइनस हाफ एम वी इनिशियल का स्क्वायर, प्रमुख अंतर चेंज कर लो ताकि आपको दिक्कत नहीं आए। वी फाइनल क्या हो गया, जीरो, तो जरूरत नहीं पड़ी, फालतू क्या होता काम आने। एम कितना है, 0.1, वी से कितना तेरा 25, ये ले भाई, ये तेरा नीचे आ गए, ये तेरा क्या हुआ 25/20, तो 25/20 तेरा क्या आ गया 1.25, चिन्ह किसका आ गया, माइनस का, ये तेरा आंसर आ गया। तो जरूरत नहीं पड़ी इसकी अपने को भैया, अपने देखो दोस्तों हम वीडियो शूट कर रहे हैं, हम इसको डिलीट करके एडिट भी कर सकते हैं, लेकिन नहीं, हम इसलिए करते हैं ये
नेचुरल प्रोसेस में, ताकि बच्चों को ये पता रहे गलतियां कहां होती हैं। दोस्तों बॉडी यहां से यहां गई, यहां इसकी वेलोसिटी 5 है या 0 होगी, तो सारी की सारी काइनेटिक एनर्जी और 0 किस में होगी, वर्क में, W डेल्टा के, K फाइनल माइनस के इनिशियल आपके सामने, और माइनस क्यों आया, माइनस क्यों आया, ये माइनस यहां से वहां भी वो बात है, बिल्कुल वहां भी निकाल सकते हैं, पर वहां आंसर उससे भी आएगा, लेकिन ये आपका सिंपल तरीका हो गया। आगे चले पुत्र क्वेश्चन नंबर 4 में देखो, वो कहता है एम मास की कोई गेंद वी वेलोसिटी से गतिशील है, अनंत द्रव्यमान की दीवार, दीवार बहुत बड़ी दीवार टकराती है, टकराने के बाद गेंद उसी वेग से वापस लौट आती है, गेंद के द्वारा दीवार पे कितना कार्य है, 0। देखो साफ कहता है, साफ कहता है द वर्क डन बाय द बॉल ऑन द बॉल। दोस्तों दीवार तो वही खड़ी है ना, दीवार में कोई डिस्प्लेसमेंट है ही नहीं, तो जब विस्थापन 0 है तो कार्य अपने आप क्या हो गया, 0। ये सिंपल क्वेश्चन था। आगे चले, हाँ तो दोस्तों क्वेश्चन 5 देखो, बड़ा सा क्वेश्चन है। अगला कहता है एक कॉन्स्टेंट फोर्स के अंडर में एम मास की कोई बॉडी है, वो रेस्ट से, रेस्ट का मतलब यू बराबर 0 से मोमेंट मोशन स्टार्ट करती है, एस दूरी तय करने के बाद उसकी काइनेटिक एनर्जी किसके समानुपाती है, इसका पर चित्र बनाएंगे। देखो बच्चों सुनो, है डायग्राम बनाएंगे, ये बॉडी है एम, इसका मास है, एफ इस पे फोर्स है, और यू इक्वल टू 0 है, और ये दोस्तों कितना चली, एस चल के यहां आ गई, यहां आते इसका v क्या हो गया, कुछ भी हो गया, कुछ भी हो गया, कोई v हो गया, वो s के पदों में, s के पदों में हो गया। अब आपको s के बारे में पता है, केवल t का पता नहीं है, इसलिए अब अपन वो इक्वेशन लेंगे गति की जिसमें s आता हो और t नहीं आता हो, इसलिए v इक्वल टू यू प्लस at काम है, नहीं आ सकता, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ at स्क्वायर है, नहीं आ सकता, क्यों, कौन काम आएगा, काम आएगा v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ये क्यों काम आया, क्योंकि दो न्यूटन की 3 इक्वेशन है, दो में टी आता है, मुझे टी का पता ही नहीं, इसलिए मैं केवल वही लूंगा जिसमें देखो स्थापन यू का पता है, यस, वी का पता है, एस का पता है। अरे बात पकड़ रहे हो बेटा, थोड़ा बहुत ऐसे ऐसे रटा नहीं मारना, टी क्यों नहीं लिया, लॉजिक है। अब आ जा, वी तेरे सामने वी स्क्वायर है, ये तेरा 0 है, ए क्या है, एफ बाई एम, क्यों तू खुद कह रहा है एफ इक्वल टू क्या होता है, एम ए, ओके डियर पेज खाली कर रहे भैया, तो v स्क्वायर इक्वल टू तेरे सामने सामने क्या हो गया भैया, v स्क्वायर बराबर एट, ये फॉर्मूला हो गया तेरा, v स्क्वायर इक्वल टू क्या है, 2 f s अपॉन m, ओके डियर। अब मैं इसको पेज पे बिठा दूं, तेरे को पता है। अब अगला क्या कह रहा है, क्वेश्चन दिखाना, अगला कह रहा है कि गतिज ऊर्जा किसके समानुपाती है, आ जा वापस आ, तो तू खुद जानता है w इक्वल टू क्या होता है, डेल्टा के क्या, k फाइनल माइनस k इनिशियल, k इनिशियल क्या है, 0, तू अगर खुद क्या कह रहा था, u इक्वल टू 0, तो w इक्वल टू क्या हो गया डियर, k वहां w इक्वल टू क्या हो गया, k फाइनल, k फाइनल क्या है, आप m v स्क्वायर, अब तेरे सामने सामने m, v क्या है, v स्क्वायर क्या है, 2 fs अपॉन m, इसको कैंसिल आउट कर दे, 2 से 2 कैंसिल कर दे, तो तेरे सामने सामने w k फाइनल क्या आ गया, fs आ गया, इसमें कहीं m नहीं आ रहा है। क्वेश्चन में आ जा दोस्तों, इसका m से कोई संबंध नहीं है, तो कोई संबंध नहीं होता है, इसको m 0 से शो किया जाता है, m 0 का मतलब जानते हो क्या हो गया, 1 हो जाता है, किसी भी चीज पे 0 पावर का मतलब 1 हो जाता है, कांस्टेंट। देखो डियर, इसमें t वाला फॉर्मूला मत काम लेना, क्योंकि t है ही नहीं, बस इतना ही ध्यान रखो कौन चीज है कौन नहीं है, जो है उसको लेना है। यस, आगे चले, आगे आ जाओ भैया, ये लाडला प्रश्न देखो सुनो, इस कार्य में फोर्स 2 प्रकार के होते हैं, एक कांस्टेंट फोर्स होता है, देखो ये जो कांस्टेंट फोर्स होता है तब तो सीधा डब्ल्यू इक्वल टू एफ डॉट एस कर देते हैं, लेकिन जब फोर्स चेंज हो जाता है तो दोस्तों फिर आपके पास एक ही रास्ता है, आपको इसका समाकलन करना होगा इनिशियल से लेके फाइनल, क्योंकि फोर्स चेंजेबल है, फोर्स वेरिएबल है, परिवर्तनशील है, तो उन सबका जोड़ करना होगा। एक गुरु मंत्र लो, जब भी कोई चीज दोस्तों वेरिएबल हो जाती है उस सबका जोड़ करना हो तो एक ही रास्ता है, सबका क्या कर दो, इंटीग्रेशन कर दो, सीधी सी बात, बस इसको मिटा दिया मैं। अब सुन, एफ इक्वल टू क्या है, सी एक्स, एक्स कहां से कहां गया, 0 से एक्स 1, इसमें वर्क एक है, ध्यान दे ध्यान दे क्लास में, डब्ल्यू इक्वल टू एफ डीएक्स डीएक्स, अब यहां एस नहीं दिया मैंने क्योंकि एक्स है, और कहां से कहां, 0 से एक्स 1 बोला है ना, थोड़ा समझने की कोशिश करिए, एफ डॉट डीएक्स कहां से कहां, 0 से
एक्शन तक आ जा। क्यों ऐसा क्यों लिया मैंने? ऐसा मैंने इसलिए लिया पुत्र क्योंकि मेरा एक्स किसके पदों में है? एक्स के पदों में है दोस्तों। सी एक्स डी एक्स पेज खाली करना भैया, तो तेरे सामने सामने ये क्या बन गया पुत्र? अब देख मैं तेरे लिए कर देता हूं, डब्ल्यू इक्वल टू सी को बाहर निकाल ले, ये जीरो एक्स वन, ये एक्स डी एक्स याद है, एक्स की पावर एन का इंटीग्रेशन क्या होता है? एक्स एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन। तो व्हाट इज दोस्तों डब्ल्यू? सी को भाग लो, वन है तो ये पूरा कर दू, वन प्लस वन अपॉन वन प्लस वन, कहां से कहां? जीरो से एक्स वन। ओके डियर, डब्ल्यू इक्वल टू सी, ये तेरा एक्स स्क्वायर बट्टा दो, कहां से कहां? जीरो से एक्स वन। अब मैं कलर चेंज कर लूं दोस्तों, ऐसा जब लिमिट का इंटीग्रेशन होता है तब ऐसा अपर माइनस लोअर होता है। तो देख सी बाई टू को तो बाहर निकाल ले, अपर अपर मतलब माइनस लोअर का स्क्वायर कर, तो आंसर आ गया एक बट्टा दो सी एक्स वन का स्क्वायर। अपने पूरी बात कर दिया बिल्कुल, अपर माइनस लोअर, एक्स में अपर वैल्यू रखो माइनस लोअर वैल्यू रखो, लोअर जीरो है तो जीरो हो गया, आंसर आ गया बेटा हाफ सी एक्स वन स्क्वायर, हाफ सी एक्स वन स्क्वायर आंसर आ गया। आ रहा बात का मजा? ओके डी आगे चलो, ये लाडला क्वेश्चन हमारा है। इस क्वेश्चन को पढ़ाने से पहले क्वेश्चन पढ़ो तो छोड़ो पेज खाली करो, इस प्रश्न को पढ़ाने से पहले दोस्तों मैं आपको एक चीज समझाऊंगा। एक शब्द होता है इक्विलिब्रियम, साम्यावस्था दोस्तों, इक्विलिब्रियम साम्य, एक शब्द साम्यावस्था। इक्विलिब्रियम का मतलब यह होता है कि बॉडी है, इस बॉडी पे बहुत सारे फोर्स लग रहे हैं, लेकिन दोस्तों यदि रिजल्टेंट फोर्स जीरो है तो ये बॉडी कहीं मूव नहीं करेगी। यानी अपनी भाषा में कहूं, जब किसी वस्तु पे परिणामी बल शून्य होता है तो वो वस्तु साम्यावस्था में होती है, इट्स इक्विलिब्रियम कंडीशन। यानी F इक्वल टू जीरो, डेल्टा बोलने की बात है, F इक्वल टू जीरो है तो बॉडी साम्यावस्था में। एक बात पूरी, और एक बहुत सुंदर फॉर्मूला और होता है, F इक्वल टू होता है माइनस डी यू बाई डी एक्स। इसमें एक बात ऐड कर ले, बोल बेटा, साम्यावस्था में दो प्रकार की होती है मेनली, जैसे अभी उसमें आगे अपन जाएंगे उससे पहले, हाँ उस पे आएंगे पढ़ वो स्थाई, नहीं उसमें उससे पहले जैसे एक था ट्रांसलेटरी, ट्रांसलेटरी जो था आपका रोटेटरी, रोटेटरी तो ट्रांसलेटरी के अंदर तो एफ नेट है वो जीरो होना चाहिए। इस टॉपिक पर ओनली ट्रांसलेटरी की डिस्कशन करेंगे। यस यस, ये बहुत गहरी बात कह रहे हैं, F इक्वल टू माइनस डी यू बाई डी एक्स। अब यदि कहीं कोई बॉडी इक्विलिब्रियम में है, F जीरो कर दो, F जीरो का मतलब डी यू बाई डी एक्स के जीरो कर दो। तो सुनो दोस्तों, कहीं F दिया हुआ हो और तो उसकी साम्यावस्था चेक करनी हो तो F इक्वल टू जीरो कर दो, बट U दिया हुआ हो और उसका इक्विलिब्रियम चेक करना हो तो क्या करो? X के सापेक्ष, अब ये X हो सकता है, ये Y हो सकता है, ये R, X का मतलब डिस्टेंस, इसका मतलब है पोटेंशियल एनर्जी का डिस्टेंस कह सकते हैं पढ़े से, या यू पोजिशन कह सकते हैं, पोजिशन कह सकते हैं फंक्शन के रूप में, या पोजिशन कह सकते हैं पोजिशन सापेक्ष, आप उसको डिफरेंशिएट करके जीरो। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन एक बात सुनना डियर, यहां फिर तीन बात और बनती है, मैं उसकी बात भी करना चाहूंगा। यदि आपको आगे चेक करना है, सुन लो पूरी बात, साम्यावस्था तो होगी चेक। अब दोस्तों साम्यावस्था तीन प्रकार की होती है, एक होती है स्थायी साम्यावस्था, एक होती है अस्थायी साम्यावस्था, एक होती है उदासीन साम्यावस्था, एक होती है स्टेबल इक्विलिब्रियम, एक होता अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, एक होता न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। कैसे इसको भी समझो, आप एक काम करो मैं बताऊं आपको, लो ये एक गेंद यहां रखी हुई है, ये गेंद भी साम्यावस्था में है, और एक गेंद यहां रखी हुई है ये भी साम्यावस्था में, लेकिन फर्क है, इस गेंद को मैं थोड़ा सा इधर करके छोड़ूंगा तो वापस यहां आ जाएगी, इधर करके छोड़ूंगा तो वापस यहां आ जाएगी, बट इसको मैं हिला दूंगा तो ये गिर जाएगी। यानी इसका मतलब ये है कि थोड़ी बहुत परिवर्तन करने के बाद भी जो साम्यावस्था चेंज नहीं हो वो कहलाएगी स्टेबल इक्विलिब्रियम, और थोड़ा सा डिस्टर्ब कर दिया और अगर डिस्टर्ब हो गया तो क्या कहलाएगा? अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। और एक ऐसा और है कि बॉडी एक यहां ऐसे यहां रखी हुई है फिर यहां रखी हुई है, इस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये न्यूट्रल साम्यावस्था। यदि मैं इसको मिटा के एक बात को यदि आपको मैं इस तरह से ग्राफ मेरा बहुत क्लियर सा क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंग दोस्तों करना चाहूं तो एक ऐसा मैं आपको क्वेश्चन बनाता हूं। ये आप देखो दोस्तों, इसका कलर चेंज कर लो, एक बॉडी यहां रखी हुई है, एक बॉडी यहां रखी हुई है और एक बॉडी यहां रखी हुई है, इधर कौन आपका यू और इधर कौन आपका एक्स, सिंपल सी बात है। अब ये जो बॉडी है ये भी साम्यावस्था में है, ये भी साम्यावस्था में है,
ये भी साम्य अवस्था में। दोस्तों ये क्या कहती है, ये है स्टेबल इक्विलिब्रियम, ये है सॉरी उल्टा बोल गया, ये है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, ये है स्टेबल इक्विलिब्रियम और ये है न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। इसका फॉर्मूला भी है, इक्विलिब्रियम चेक करना हो तो केवल du / dx बराबर 0 कर दो, इससे चेक क्या होता है x पोजीशन इक्विलिब्रियम की वो है नहीं है, नहीं है। अब मुझे ये वाला पॉइंट चेक करना है, ये पॉइंट चेक करना है, ये पॉइंट चेक करना है, तो दोस्तों इसके लिए मुझे इसको एक बार अवकलन और करना पड़ेगा। यदि दोस्तों ये पॉजिटिव आ जाता है तब तो ये वाली बात है, तब तो ये है स्टेबल इक्विलिब्रियम, और यदि दोस्तों ये नेगेटिव आ जाता है तो ये स्लोप हो गई, ये है अनस्टेबल, और दोस्तों तीसरा यदि जीरो आ जाता है तो कौन है न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। सुन ले भाई ये पैनल देता हूं, साम्य अवस्था इक्विलिब्रियम चेक करना हो तो एफ इक्वल टू जीरो, एफ इक्वल टू होता माइनस डी यू बाई डी एक्स, तो डी यू बाई डी एक्स जीरो कर दिया। अब वो स्टेबल है अनस्टेबल है कि न्यूट्रल है, तो एक बार फिर अवकलन कर, यदि फिर अवकलन करने के बाद स्लोप यदि इसकी नेगेटिव बन गई तो यहां बैठा है, पॉजिटिव बन गई तो यहां बैठा है, फिर जीरो बन गई तो यहां बैठा है। दोस्तों सेकंड अवकलन के बाद पॉजिटिव आ रहा है तो हमारा स्टेबल इक्विलिब्रियम है, सेकंड किसका यू का एक्स के सापेक्ष, नेगेटिव आ रहा है तो ये कौन हो गया अनस्टेबल और ये कौन हो गया जीरो जीरो न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। ओके डियर, बस अब आ जा भैया ए बात शुरू करते हैं। अब क्वेश्चन पढ़ के आप क्वेश्चन देखो दोस्तों, साथ कहते हैं एक डाई एटोमिक परमाणु है, उसकी पोटेंशियल ऊर्जा है ए एक्स 12 माइनस बी एक्स 16, ए और बी कांस्टेंट है, एक्स परमाणु की यदि अणु की विघटन ऊर्जा डी डी एक्स अनंत से एक्स एट इक्विलिब्रियम तक लेके आनी है तो दोस्तों डी की वैल्यू क्या है, जरा एक मिनट भैया पेज खाली करना। दोस्तों अगला साफ साफ कहता है डी इक्वल टू क्या है यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, दिखाना है वापस और ये रहा वापस आ जा यू इंफिनिटी माइनस यू एक्स एक्स वापस क्वेश्चन दिखा अनंत पे या किसी इक्विलिब्रियम जो निकाल देंगे अपने इसका। ओके डियर, तो ये आपको अब आगे चल ये हमेशा क्या होता है जीरो होता है, तो ये दोस्तों जीरो होगा तो देखा जाए तो ये यू किसका निकालना है इक्विलिब्रियम का, लेकिन आपको ये निकालना पड़ेगा इक्विलिब्रियम कहां है, कहां है इक्विलिब्रियम कहां है। आजा भैया अब तो क्वेश्चन में आजा, क्वेश्चन तेरे सामने है यू, तो एक मिनट ऐसा करें पेज खाली कर ले, मैं पेपर देके लिख देता हूं उसको बड़ा थोड़ा सा, यू इक्वल टू है भाई ए एक्स 12 माइनस बी अपॉन एक्स 16, चलो पूरा करो आप क्या है ए एक्स की पावर माइनस टू ऊपर ले लो माइनस बी ये निकलो चाहो डी बाई डी एक्स कोई दिक्कत नहीं, बी एक्स की पावर माइनस सिक्स आ जाओ ऊपर चल दिए एफ इक्वल टू एक्स की पावर माइनस टूल्व तो बाहर क्या आएगा माइनस 12 ए बाहर रहेगा माइनस 12 से एक प्लस करेंगे तो क्या आएगा माइनस 13 माइनस माइनस करेंगे तो क्या आएगा 13 तो दोस्तों ये एक्स की पावर क्या आएगा 13 नीचे कर दूं ऐसे तू कहे तो अब देखिए माइनस है माइनस माइनस क्या हो गया प्लस 6 नीचे आया 6 बी हो गया और ये एक्स की पावर क्या हो गया 7 7 थोड़ा सा घबराओ मैंने इसको डिफरेंशिएट किया भूल गया क्या यार x की पावर n का क्या होता है x n n माइनस 1 है तो x की पावर माइनस 12 का क्या होगा माइनस 12 नीचे आएगा और x की पावर माइनस 13 x की पावर माइनस 6 का क्या होगा माइनस 6 नीचे आ जाएगा और ये माइनस 7 ओके डियर इसमें साइन थोड़ा समान अपन लेंगे तो वो माइनस हां माइनस रहेगा भाई ये माइनस साइन रहेगा भाई ये माइनस साइन रहेगा क्योंकि f इक्वल टू पूछा ना अपन तो f इक्वल टू सेट पे पढ़ना माइनस du / dx ऐसे नहीं तो फिर नहीं पढ़ने वाला इसको इक्वल टू क्या करेंगे अपन जीरो। अब थोड़ा कलर चेंज कर दे तो एक बच्चों से आ जाए जीरो करोगे तो ये तेरे सामने बेटा 12a / x 13 इक्वल टू 6b / x 7 यस सर। अब ऐसा कर x 6 काट दे यस तो ये तेरा क्या बचा 12a xb इक्वल टू x 6 6 देखो भाई ये पावर 13 है ये पावर 7 है कितनी बच गई x 6 ठीक है डियर। अब आप देखो आपके सामने सामने x 6 क्या है मतलब बोलना 12a / 6b तो आप इसको कह दो
2a upon b. अब देखो बच्चों x की पावर 6 है, this is 2ab है, इसको x करोगे तो 2a upon b की पावर क्या जाएगा 1/6. ये वो पोजीशन है जहां ये इक्विलिब्रियम है. हेलो, ये वो पोजीशन है जहां ये इक्विलिब्रियम में है. 2a upon b की पावर 1/6a, पूरे को खाली कर देता हूं, यानी ये x वो पोजीशन है 2a upon b की पावर 1/6 जहां ये साम्यवस्था में है. तो आपका d दोस्तों क्या है, d ये था ना u infinity minus u x, तो आपके सामने d ये तो क्या है जीरो है. अब आ जाओ क्वेश्चन, आ जाएगा मिनट वापस, ये क्या तेरा a upon x 12 है, a upon x 12 आज बचा a upon x 12 है माइनस क्वेश्चन आना बेटा वापस b upon x की पावर 6 वापस है छोड़ b upon x की पावर 6 ठीक है डियर. अब x की वैल्यू पुट करते हैं इसमें, अपन x की वैल्यू पुट करते हैं इस माइनस को भूल एक बार. तो x क्या है तेरे सामने, x 12 है, तो 2a थोड़ा बड़ा है लेकिन करें क्वेश्चन को 2a by b 12/6 ध्यान दे क्लास में क्या आएगा 12/6 माइनस b x क्या है वही 2a by b पावर क्या है 6 वो भी क्या है 6 तो 6 मल्टीप्लाई 1/6 चलो आगे चलो तो माइनस तेरे सामने सामने क्या आ गया 2a by b का स्क्वायर तो इसको अपन ये कह सकते हैं 4a स्क्वायर ऊपर b स्क्वायर माइनस ये क्या बच गया तेरे सामने a बटा b 2a बटा b तो ये क्या हो गया 2a upon b. तो दोस्तों ये क्या आ गया आपके सामने सामने a से a कैंसिल आउट है ठीक है डियर और ये क्या बचा बी स्क्वायर अपॉन 4a माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2a. अब तू जानता बी स्क्वायर बटा 4a का मतलब एक चौथाई और दो का आधा, आधे में से गया एक चौथाई तो क्या बच गया एक चौथाई बच गया तो माइनस प्लस हो गया तो तेरे सामने सामने बी स्क्वायर अपॉन 4a आ गया. क्वेश्चन आ रहा है बी स्क्वायर अपॉन 4a आ गया और ये तेरा आंसर आ गया. ये प्रश्न एग्जाम में आ सकता है, लंबा है पर आ सकता है. इससे आपको इंटीग्रेशन करना, इक्विलिब्रियम को चेक करना, ये सारी बातें समझाने का प्रयास हमने किया. ऐसे आगे एक दो क्वेश्चन और भी हैं, ध्यान से बैठ जाओ. आगे चलो भैया अगला क्वेश्चन देखो. एक सिंपल क्वेश्चन आ गया, कौन सा बल संरक्षी बल नहीं है फ्रिक्शन. मैंने पहले ही कहा दोस्तों जो बल इसको फॉलो करते हैं, जो इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करते हैं, वो सारे क्या होते हैं कंजर्वेटिव. कौन कौन, ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, और जो इसको फॉलो नहीं करते हैं वो कौन होते हैं नॉन कंजर्वेटिव. जो कौन है, घर्षण बल है, शान बल है, फ्रिक्शन है, विस्कोसिटी, तब होता है. कंजर्वेटिव फोर्स और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स की टीचर आपको क्लास में पढ़ा चुके हैं, देख लेना उसको, बहुत अच्छा पॉइंट बनता है. आगे चलो आ जा फिर वो आ गया. वो कहता किसी बल क्षेत्र में यू इक्वल टू, एक फॉर्मूला है दोस्तों, यू इक्वल टू ए आर स्क्वायर माइनस बी अपॉन आर. अगला कहता ए और बी कोफिशियंट है और पॉजिटिव है. स्थाई संतुलन की दशा में कण की दूरी क्या है, पेज खाली कर दे भैया. स्थाई संतुलन इसका मतलब फोर्स जीरो. अब ये तो यू है, यू है ना, आपको एफ जीरो करना लड़के, तो एफ जीरो करने का मतलब तेरे क्या करना पड़ेगा, यू बाई डी आर बोल दो, जीरो कर दो, शुरू करो. यस अच्छा वो माइनस खत्म हो जाता है, उसका रोल नहीं रहेगा इसमें. अब तो तेरे सामने सामने है, देख भाई एफ इक्वल टू डी यू, तेरे सामने क्या है डी ए अपॉन आर स्क्वायर अपॉन डी आर, ठीक है भैया, और माइनस डी वाई डी आर किसका भाई, बी अपॉन आर का आ जा. अब ये आर की पावर टू पर ए को ले ले, ये आर की पावर माइनस टू पर गया है, इसकी पूरी बात कर लेता हूं तेरे सामने में. आर की पावर माइनस टू आर बाई डी आर, मैं यार वार्स करें बी को बाहर ले ले, ठीक है डियर. तो तेरा डी बाई डी आर ये क्या आर की पावर माइनस वन है, ए को बाहर है. अब तू इसमें निचले तो माइनस दो, निचले माइनस दो, यस निचले क्या बचा फिर आर की पावर माइनस थ्री, और ये बंद कर दे इसको, ये माइनस बी, ये तेरा माइनस वन नीचे ले, और आर की पावर क्या बचेगा माइनस टू, इक्वल टू क्या कर दे जीरो. अब देख माइनस टू ए आर की पावर माइनस थ्री प्लस आर की पावर माइनस टू इक्वल टू जीरो, बिटा दे इसको भैया. अब ऐसा कर तू इसमें आर स्क्वायर बराबर कर दे ले यार, टू ए आर की पावर माइनस थ्री इक्वल टू
बी आर की पावर माइनस टू। ओके डियर, आप ऐसा करो, इसको ऐसा कर लो, टू ए आर स्क्वायर बी आर क्यूब, और तो क्या करो, ऐसा कर लो भैया, तेरे सामने सामने है, तो तेरे सामने क्या बच गया, टू इक्वल टू बी आर, तो आर इक्वल टू क्या आ गया भैया, टू ए अपॉन बी, आप क्वेश्चन आ जाए भैया, आर इक्वल टू क्या हो गया भैया, टू ए, आर ए क्या गया, टू ए अपॉन बी। भाई कुछ नहीं करना दोस्तों, इसमें हमें सिंपल सी कैलकुलेशन करनी है, सिंपल सी गुणा भाग करनी है, तो आंसर आ जाता है। लेकिन दिक्कत क्या है फिजिक्स में, बच्चे पढ़ के छोड़ देते हैं, पेन नहीं चलाते हैं। जो व्यक्ति रफ कॉपी के 15-20 पेज नहीं भरता है डेली, वो नीट की प्रिपरेशन छोड़ दे मेरे हिसाब से। यदि आप 30-40 न्यूमेरिकल ऐसे हाथ से नहीं निकालोगे, अरे भाई हम भी तो बोर्ड पूरा कर रहे हैं ना, हम भी ऐसे कहते हैं ये कर लो वो कर लो, तो क्या कहोगे आप, अरे सर क्या कर रहे हो ऐसे, तो तुम क्या कर रहा भाई, पूरा निकाल, पूरा प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी हाथ से। नेक्स्ट चले आ जाओ फिर वो यहां पे, बिल्कुल ये बहुत सोना ऑप्शन है। वो कहता है जब एक रबड़ के छल्ले को अक्ष दूरी तक तनित मतलब खींचा जाता है तो फोर्स क्या है, एफ इक्वल टू ए एक्स प्लस बी एक्स स्क्वायर। वो कहता है दोस्तों ये आपके सामने सामने भी कहते हैं रबड़ बैंड स्ट्रेस डिवाइड बाय डिस्टेंस एक्स से रिस्टोरिंग फोर्स है, फोर्स ये है। अब वो कहता है ए भी कॉन्स्टेंट है, बिना तनित रबड़ को एल तक इसको किया जाए तो कितना कार्य है, सुनो यार ये तो फालतू बकवास कर रहा है, कहने का मतलब एफ है ना वो एक्स के साथ क्या आ रहा है, परिवर्तनशील है। अब मुझे इतना ही पता है जब एफ एक्स के साथ परिवर्तन है तो इतना ही पता है इसको एक्स इनिशियल से लेके एक्स फाइनल तक समाप्त करना है, इसका मत लगा। एफ परिवर्तनशील है, वेरिएबल है, किसके साथ है, एक्स के साथ है, तो मुझे इसका एक्स के साथ क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, समाकलन। अब अगला साफ साफ कह रहा है माना कि इसकी लंबाई एल होगी तो एक्स जीरो कहां तक गया, एल तक। एफ क्या है, ये रहा एक्स प्लस बी एक्स स्क्वायर का बी एक्स, पेज खाली कर बेटा, देखो ध्यान देना। अब तेरे सामने एक डब्ल्यू का फॉर्मूला बन गया, जीरो से कहां तक, किस ओर सर, एल, एल तक, ये एक्स प्लस bx स्क्वायर का bx dx, और इन सब को ओपन मिटा देते हैं। अब आ जाए शुरू हो जाए, w इक्वल टू ax क्या होगा, ax स्क्वायर बाय 2, bx स्क्वायर क्या होगा, bx की पावर 3, bx क्यूब बाय 3, कहां से कहां, 0 से l, 0 से l। अब अपर माइनस लोअर, तो अपर क्या है x, तो ये क्या हुआ, सो l a l स्क्वायर बाय 2 प्लस b l n cube by 3 minus 0, तो यहां आंसर आ गया a l square by 2 plus b l cube by 3, तो आंसर देखना भैया a l square by 2 plus b l, ये तो आंसर आ गया। मैं आपके सामने 4 से 5 इंटीग्रेशन कर चुका हूं आपकी प्रैक्टिस के लिए। देखो दोस्तों वर्क पावर एनर्जी पे हम लोग आपको दो वीडियो देंगे ताकि आपके पास ज्यादा से क्वेश्चन आ जाए। जबकि एक बात और सुनो सिद्धार्थ, इसमें ओरिजिन नहीं दिया हमने, ओरिजिन का तो सेपरेट है, बिल्कुल सेपरेट, टक्कर का तो बाकायदा एक पूरा सेपरेट वीडियो आएगा, फ्रिक्शन का पूरा सेपरेट वीडियो आया, सेंटर ऑफ मास का पूरा सेपरेट वीडियो आएगा, ताकि आपको यदि मैं पूरी गुरुनीति दी आपको, तो दोस्तों पार्टिकल डायनेमिक्स में ग्रेविटेशन के टॉपिक तो हम आपको दे रहे 15 वीडियो दे रहे हैं, बहुत बड़ी क्लास होगी अपने आप में, है ना। ओके आगे चले आ जा भैया फिर दोस्तों, ये मेरा लाडला क्वेश्चन है, ये बड़ा बड़ा क्वेश्चन है, इसमें तरीका है फिजिक्स में, एक चीज वो बदलता है, एक वो आपसे बदलता है और एक वो कांस्टेंट करता है, तो जो कांस्टेंट करता वो आना बहुत जरूरी है, जिसको वो चेंज करना वो आना बहुत जरूरी है, और जो पूछ रहा है वो तो आना जरूरी है। तो साफ कहता है कि लाइट एंड हैवी बॉडी हैव इक्वल मोमेंटम, दोस्तों बॉडी दे दी यानी मास, देखो दोस्तों लाइट और हैवी बॉडी दो अलग अलग मास की बॉडी है, मोमेंटम क्या है, सेम है दोस्तों, तो मास मोमेंटम और एनर्जी ऑफ काइनेटिक का एक संबंध है दोस्तों, बहुत प्यारा संबंध है, याद है कह रहे E इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर, ये काम करो एम वी स्क्वायर ऊपर एम से मल्टीप्लाई कर दो नीचे एम से मल्टीप्लाई कर दो, तेरे सामने सामने क्या बन गया, बोला एम स्क्वायर वी स्क्वायर बाई 2m, तू जानता अच्छी तरह से p बराबर क्या होता है, एम पूरा कर रहा हूं तेरे लिए, कोई आर्ट्स नहीं कर रहा हूं भाई, ई स्क्वायर ये, तो दोस्तों हकीकत में ये सम बन जाता है p बराबर अंडर द रूट 2m। यस वैसे याद रखना तेरे को, मैं तो पूरी क्लास के लिए कर रहा हूं ना, तो आ जाए डियर, तो तेरे सामने एक संबंध बन गया p इक्वल टू रूट 2m 2m e, कलर चेंज कर।
अगला साफ कहता है इक्वल मोमेंटम है तो मास सेम है तो इसका मतलब ये है एम ई इक्वल टू कॉन्स्टेंट है ई इनवर्सली प्रोपोर्शनल एम है। अगला कहता है काइनेटिक ग्रेटर काइनेटिक एनर्जी ज्यादा किसकी है गति ऊर्जा अधिक किसकी है जिसका मास कम है जिसका मास कम है। क्लियर आगे चले क्वेश्चन नंबर 12 है। इस क्वेश्चन को पढ़ने से पहले फिर एक आंकड़ा बता देता हूं। जब भी दो आंकड़ों में कोई ग्राफ प्लॉट किया जाता है जब भी दो डेटाओं में ग्राफ। कोई ग्राफ प्लॉट होता है तो उस ग्राफ का जो कवर्ड एरिया है वो उन दोनों डेटाओं के गुणनफल के बराबर है। ये दोस्तों एफ और एक्स है एफ और एक्स का जो गुणा है वो डब्ल्यू है। ये गांठ मान ले भैया ये मास्टरपीस चीज है। दो आंकड़ों के बीच जब भी कोई ग्राफ खींचा जाता है तो उस ग्राफ के द्वारा जो कवर्ड एरिया है वो उस आंकड़ों गुणनफल के बराबर है। तो एफ और एक्स के बीच कर्व है उसका जो एरिया वो किसके बराबर है वर्ग के बराबर है। स्लोप से अपन निकाल लेते हैं और एरिया से दोनों का इंपॉर्टेंस होता है। अब आ जा अब क्या कहता है बड़े पुत्र यस बड़ा मस्त क्वेश्चन है। 0.1 केजी मास का एक कण लगने वाले बल को यहां दिखाया एक्स जीरो से यहां से मोमेंट स्टार्ट हुआ तो विराम से एक्स जीरो बॉडी क्या है विराम है विराम का मतलब यू जीरो है इनिशियल क्या है जीरो है। तो कहता एक्स इक्वल टू 12 मीटर पे कण का वेग क्या होगा किशोर एक बासी ध्यान से सुन डब्ल्यू इक्वल टू के फाइनल माइनस के इनिशियल के फाइनल क्या है हाफ एम वी स्क्वायर के इनिशियल क्या है जीरो और डब्ल्यू क्या है एरिया एरिया यस 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 W क्या है इसके द्वारा कवर्ड एरिया तो एरिया निकालो तो सबसे पहले इसका एरिया निकालो तो इसका एरिया कितना है 1/2 बेस कितना है 4 ऊंचाई कितनी है 10 पूरा लिख दूं 4 × 10 प्लस ये कोण है ये कितना है 4 ये कितना है 10 ये 10 × 4 प्लस ये कितना है 10 ये कितना है 4 वो 1/2 4 × 10 पूरी बात करें हाथ नहीं करेंगे क्या ये तेरा कितना आ गया 20 ये कितना आ गया 40 ये कितना आ गया 20 ये कितना हो गया 80 वर्ग कितना हो गया 80 फिर खाली करना बेटा वर्ग कितना हो गया 80 एरिया कितना हो गया 80 इक्वल टू हाफ एम क्वेश्चन निकालेंगे वापस एम कितना है 0.1 वापस आ जा 0.1 मल्टीप्लाई क्या है वी स्क्वायर ये तेरा 10 इधर लिया ये तेरा 20 है इसको मल्टीप्लाई करे 1600 हो गया 1600 क्या आ गया वी स्क्वायर तो वी का मान क्या आ गया 1600 तो V की वैल्यू क्या आ गई 40 क्वेश्चन निकालना भैया V की वैल्यू क्या आ गई 40 भैया A 40 मीटर पर सेकंड बोलो ये है देखो ये है नीट की फिजिक्स। नीट की फिजिक्स बहुत आसान है। नीट की फिजिक्स केवल दो ही आदमी नहीं आती एक तो वो जो प्रैक्टिस नहीं करते हैं एक वो जो IIT की तैयारी करके और नीट करना चाहते हैं। IIT की प्रिपरेशन नीट का बच्चा यदि IIT के चक्कर में पड़ गया ना तो फिर वो 26 के चक्कर में दुबई बन जाता है। आप निश्चित क्वेश्चन है आपको मैं कॉन्फिडेंस से कह सकता हूं 45 वीडियो आपको देंगे फिजिक्स के पूरी साल में आप इनको 5 बार कम से कम देख लोगे पेन कॉपी के साथ 150 नंबर गारंटी उस बच्चे से जो आज ये कहता मुझे फिजिक्स नहीं आती है प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ठीक है ओके आगे चले आज क्या कह रहा है फिर वही आगे देखो 1 kg मास का एक कण समय पे देखो फोर्स देखो देखो अब तक फोर्स क्या था रे अब तक जो फोर्स था ना वो एक्स के साथ वेरी करना था। हेलो हेलो अब तक हमने क्वेश्चन जो किए वो फोर्स हमारा दूरी एक्स के साथ वेरी कर रहा था अब हमारा फोर्स है वो टाइम के साथ वेरी कर रहा है। अब वो कहते हैं विरामावस्था चलना विरामावस्था चलने का मतलब यू जीरो तो 1 सेकंड में बल द्वारा किया गया कार्य क्या सुन 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 डब्ल्यू इक्वल टू के फाइनल माइनस के व्हाट इज के इनिशियल जीरो के फाइनल व्हाट इज के फाइनल हाफ एम वी स्क्वायर। सीधी सी बात ये डियर एम तेरे को दिया हुआ है तेरे को इसकी क्या निकालनी है वेलोसिटी निकालनी है। खुद कह रहा है विराम अवस्था में चलना शुरू किया तो इनिशियल तो क्या होगी जीरो। अब काइनेटिक एनर्जी में जो चेंज हुआ है इसमें वही इसका कार्य है ओके तो टी बराबर 1 सेकंड में बल के द्वारा किया गया कार्य क्या तो आपको यह निकालना है कि 1 सेकंड बाद इसका वेग क्या है बोलो बोलो यस 1 सेकंड बाद इसका वेग क्या है तो 1 सेकंड बाद इसका वेग अपन निकाले हैं तो भैया आप आए किशोर सर आप इसको स्टार्ट करें। इसमें जैसे हमारे पास फोर्स है यस यहां से इसको अपन स्टार्ट करें बॉस एफ इक्वल टू हमारे पास है 60 यस तो एफ इक्वल टू 60 तो एफ इक्वल टू अपन ले यहां इसको एम इनटू ए बिल्कुल ए हो गया हमारा डी बाय डीटी यस डांस क्लास
हमारी आवश्यकता नहीं है, हमें एम ए ए क्या होता है डीवाई, चलो एम हमारा है 1 kg, यस इसको अपन यही 1 कर दे तो 1 इनटू आपका हो गया डीवी बाई डीटी डीटी, ओके इक्वल टू, हमें बी निकालना है टी के पदों में तो बी के पदों में अलग कर लेते हैं टी को अलग अलग करते हैं, तो मेरे पास यहां से बन गया डीवी इज इक्वल टू 60 इनटू डीटी, 60 इनटू डीटी और इसके अपन कर दे दोनों पक्षों का समाकलन, तो 0 पे इसकी मान लो स्पीड 0 है तो टी पे मान लो इसके अपन वी, तो डीवी का आपका हो गया वी, वी माइनस 0 आपका हो गया वी इज इक्वल टू 60² / 2 यानी 3t² अब हमें इसमें करना क्या था, हमें पूछा जीरो से एक, एक सेकंड पे तो एक पे इसकी स्पीड होगी 3 m/s, बस तो v की वैल्यू क्या आ गई पूछे इसमें 3 आ गई और 3 यहां पुट कर दो, हां सीधी सी बात, तो ये लो हमारा हो गया 1/2 m n हमारा था 1 × 3² 9 तो 9/2 4.5 joule, फिर सुनो एक मिनट, t के पदों में फोर्स दिया लेकिन पूछा हमें ये तो सुन लो भाई गांठ मान ले, इसके बिना नीट आज तक नहीं हुआ, ये परसेंटेज का कॉन्सेप्ट है, ये मेरा श्रेष्ठ क्वेश्चन है भाई, मन से बैठ जाए, सुनो बच्चों जब जब ऐसा प्रश्न आता है कि इतने परसेंट का चेंज किया तो कितना परसेंट हो गया, तो सबसे पहले तो आप फॉर्मूला लिखो जिसमें सारा ताम धाम आता है, ये कहता है किसी पिंड की गतिज ऊर्जा में वृद्धि हुई, मोमेंटम में पिंड का मतलब मास कॉन्स्टेंट है, तो इसका इक्वेशन बनेगी पी बराबर √2ME, पी आ गया मास आ गया ई आ गया, लेकिन अब एक तरीका है इसमें जो बदलता है उसके पीछे 1-2 लगाओ और समीकरण एक में समीकरण दो का भाग लगाओ, चलो जी पी के पीछे क्या आएगा 1, एम के पीछे कुछ नहीं आएगा, ई के पीछे क्या आएगा 1-2, पी के साथ क्या आएगा 2, एम के साथ कुछ नहीं आएगा ई के साथ है, बोलो क्यों एम के साथ 1-2 क्यों नहीं आया, क्योंकि बॉडी फिक्स है ना, तो एक ही बॉडी के एक क्वेश्चन दो मास नहीं हो सकते, ओके तो डीए इसका सॉल्यूशन मैं करूं आगे, तो P1 अपॉन P2 इक्वल टू है √E1 अपॉन √E2, इसको बिठा दे लिया मैं, अब मेरा प्रश्न शुरू होता है, मैंने पहले फॉर्मूला लिखा, जो वरी करते हैं उनके पीछे 1-2 लगाया, एक को 2 से डिवाइड कर दिया, अब ऐसे सारे प्रश्नों को मैं स्टार्ट करता हूं 100%, सुन ले ध्यान से बैठ जा, हमेशा स्टार्ट करूंगा 100% से, वो कहता गतिज ऊर्जा में 300% की वृद्धि की, माना कि E1 पहले 100 है तो E2 कितना हो गया 400, बस सुन लेगा ध्यान से, ऐसे सारे प्रश्नों को मैं स्टार्ट कहां से करूंगा 100% से, ओके डियर दिस इक्वल टू P1/P2, E1 कितना है 100, E2 कितना है 400, 1/4 ये तेरा 1/2 हो गया, तो दोस्तों P2 इक्वल टू आ गया 2P1, और लास्ट में इसको 100 से गुणा करके इसको बनाए परसेंटेज, तो दिस इज 200% ऑफ P1, लेकिन आंसर 200% नहीं है, अगला कह रहा वृद्धि कितनी हुई, मैं स्टार्ट कहां से हुआ था 100% से, कितना आ गया 200%, वृद्धि कितने परसेंट की हुई 100%, ओके बेटा इसको अब एक बात सुनना पहले से, एक बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है T=2π√mg, एक सरल लोलक की लंबाई और टी में एक संबंध दे दिया, मैं एक सिंपल बात कहता हूं जब भी कहीं ऐसा कोई रिलेशन हो x√y, दोस्तों यहां 2% का चेंज करोगे तो यहां 1% का चेंज होगा, यहां 4% का चेंज करोगे यहां 2% का चेंज होगा, यहां 10% का चेंज करोगे यहां 5% का चेंज होगा, और उसके ऊपर जाओगे तो वेरी कम थोड़ा सा चेंज होता है, यहां 20% का चेंज करोगे यहां 10% का चेंज होगा, इसको भाई जी गांठ बांध दे और ऊपर जाएगा, यहां 44% का चेंज करेगा तो यहां 20% का चेंज आएगा, गांठ बांध दे, यानी सुनो यदि किसी सरल लोलक की लंबाई में 2% की वृद्धि की जाए तो आवर्तकाल में 1% की वृद्धि होगी, 21% की वृद्धि कर दी जाए तो 10% की होगी, और 44% की करोगे तो ये 20% होगी, इनकी गुणा भाग नहीं होती है, इसी का नाम कंप्यूटेशन है, और ये पता नहीं कहां कहां काम होता है, मस्त रहे
एक्स रूट वाई, हाँ तो ऐसा हो एक्स रूट वाई के इनवर्स है तो यहां वर्दी की कमी हो जाएगी और कमी की वर्दी हो जाएगी, वो तो खास बात नहीं है। सुन ले ये आंकड़े देख, 10% तक तो ऐसे रहेंगे आधा होंगे, पर 10 के बाद एग्जाम में बेटा या तो 21 आएगा या 44 है, और 99% 21 ही आता है। 21% का चेंज किया जाए तो कितने चेंज होगा परसेंटेज, आंसर क्या होगा 10%। ओके डियर, आगे चलो भैया, क्वेश्चन नंबर 15 दोस्तों। वो कहता इन द एक्सप्लोजन ऑफ बॉडी ब्रेक्स अप इनटू टू पीसेज ऑफ अनिलुक मासेज इन दिस, वो कहता विस्फोट होने के पश्चात एक वस्तु दो असमान रेवा। देखो सुनो भाई, विस्फोट होने के बाद को टक्कर बोलते हैं इसको अपन, क्वेश्चन टक्कर का आ गया देखा जाए दोस्तों। एक बात सुनो रहे, दो प्रकार की होती है टक्कर, प्रत्यास्थ और अप्रत्यास्थ, इलास्टिक और नॉन इलास्टिक। हमें कोई मतलब नहीं, हमेशा जानते हैं टक्कर चाहे इलास्टिक हो चाहे टक्कर नॉन इलास्टिक हो, मोमेंटम हमेशा संरक्षित रहेगा, संवेग हमेशा संरक्षित रहेगा। अब ये बॉडी दोस्तों पहले विराम में है तो टक्कर से पहले इसका मोमेंटम क्या है जीरो, अब ये फट गया तो भी दोस्तों मोमेंटम क्या होगा जीरो, मोमेंटम जीरो का मतलब दो बॉडी है m1 v1 प्लस m2 v2 दोनों का जोड़ क्या है जीरो। आप ये कह सकते हो m1 v1 इक्वल टू माइनस m2 v2, दोस्तों कॉमन सेंस की बात है m और v का गुणा बराबर होगा, तो सीधी सी बात है जिसका m कम है उसका v ज्यादा होगा, जिसका m ज्यादा है उसका v कम होगा। जैसे एग्जांपल है बंदूक से गोली चलती है तो गोली ज्यादा वेग से जाती है आगे, बंदूक पीछे कम वेग से आती है क्योंकि बंदूक का मास ज्यादा है। बस अगला साहब कहता है दोनों पिंडू टुकड़ों का संवेग आंकी सपना, हल्के भाग का संवेग अधिक होगा भारी भाग का संवेग अधिक होगा, दोनों भागों की गतिज ऊर्जाएं समान होंगी, तो क्या कहना चाहेंगे साहब इसमें संवेग बराबर होगा, तो क्या कहेंगे फर्स्ट आपका दोनों टुकड़ों के संवेग आंकी रूप से समान होते हैं, दिशाएं उनकी विपरीत है। बस एक ओरिजिन का बेस्ट क्वेश्चन है, एक ओरिजिन में आएगा वैसे, क्योंकि घटना से पहले और घटना के बाद, तो घटना से पहले का संवेग क्या है जीरो, तो घटना के बाद संवेग क्या होगा जीरो, तो दोनों ऐसे ही यूं है। देखो कोई बात है बंदूक से गोली निकलती है ना तो गोली का संवेग और बंदूक का संवेग बराबर है, तो अब बराबर कैसे होगा, गोली का मास कम है तो वेग ज्यादा हो गया और बंदूक का मास ज्यादा है तो वेग कम हो गया। ठीक है आगे चलो, ये अच्छा क्वेश्चन है। वो कहता है एक पत्थर को h ऊंचाई से गिराते हैं तो निश्चित संवेग p से ये पृथ्वी पर टकराता है, इसी पत्थर को 100% अधिक ऊंचाई से गिराए तो अब जब पृथ्वी पर टकराए तो इसके संवेग में कितना परिवर्तन होगा। दोस्तों पेज खाली करो, देख डी ध्यान पेज खाली करो बेटा, ये अर्थ है एक कोई बॉडी गिरी पहले कितनी ऊंचाई से h ऊंचाई से, फिर वही बॉडी कितनी ऊंचाई से गिरेगी भी दोगुनी ऊंचाई से, अगला कहता 100% मतलब डबल डबल, सीधी सी बात कोई चीज 100% का मतलब डबल हो गया। h ऊंचाई से गिरेगा तो हम सब जानते हैं v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2gh, u हमेशा क्या होता है इनमें जीरो होता है चीजों में, तो तेरे सामने सामने भाई v क्या है √2gh ऐसे कैसे v जो है वो रूट एच के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब एच से गिरा तब माना कि वी है तो दोस्तों दुगने से गिरेगा तो वी वन की मान वी है तो तेरे सामने सामने वी टू का मान क्या आ गया रूट टू वी, बिल्कुल बस। और रूट टू का मान याद रखना 1.414, इसको चेंज करो परसेंटेज में तो 141.4%, तो जो पहले 100 था वो 141 हो गया तो वर्ग कितनी हुई 41.4%। आजा क्वेश्चन में आजा, 41.4% की 41% वेग का ये इसमें एक बात याद रखो, जब किसी वस्तु को h ऊंचाई से गिराते हैं तो v जो है दोस्तों वो हमेशा रूट h के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। डबल कर दी ऊंचाई आपने तो वे क्या हो गया रूट टू टाइम्स, और हाँ वो बात वगैरह भूल गया p इक्वल टू क्या है mv, तो m तो कांस्टेंट है, जितना जितना परसेंट v में चेंज होगा उतना परसेंट मोमेंट। हाँ ये बात है, एक बात और जोड़ देता हूं। ओके डियर आगे चलो, कौन सी राशि ऊर्जा का रूप है प्रकाश। देखो ये मेरा बहुत प्रिय क्वेश्चन है, लाभ पूछ देता हूं। मैं कहूंगा ऊर्जा कितने प्रकार की है बताओ, एनर्जी कितने प्रकार की, आपका जवाब दो प्रकार की, काइनेटिक और पोटेंशियल। ऐसा नहीं होता है, ऊर्जा काइनेटिक पोटेंशियल नहीं होती है, ऊर्जा बहुत प्रकार की होती है, साउंड एनर्जी प्रकाश ऊर्जा ध्वनि ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा नाभिक ऊर्जा, एक होती है यांत्रिक ऊर्जा वो दो प्रकार की है काइनेटिक और पोटेंशियल। यांत्रिक ऊर्जा मैकेनिकल एनर्जी दो प्रकार की है काइनेटिक, पब्लिक को पूछ के देख लेता हूं क्लास के बाद दोस्तों पूछना ऊर्जा कितने प्रकार की, एनर्जी कितने टाइप की, पब्लिक दो प्रकार की गतिज और
स्थिति ना, वो तो टाइप ऑफ किसके हैं, मैकेनिकल स्थिति के हैं। ओके डियर, आगे चले। ये जब अब ये चौथी क्लास क्वेश्चन है, बिल्कुल चौथी पांचवी क्लास में ऐसे क्वेश्चन आते हैं और नेट में भी आते हैं। इसमें आपको लैंग्वेज पढ़नी आनी चाहिए। सारा खेल किसका है, सोशल मीडिया लैंग्वेज का है। आज वो क्या कहता है, यदि एक व्यक्ति अपने चाल को 2 मीटर पर सेकंड से बढ़ाता है तो उसकी गतिज ऊर्जा दुगनी हो जाती है, तो व्यक्ति की वास्तविक चाल क्या है। देखो भैया सुन, ये व्यक्ति खड़ा है, मास एम, तो मास तो वही रहेगा, पहले वेग क्या है वी, वी। तो दोस्तों पहले इनिशियल है, कितना बनेगा हाफ एम वी स्क्वायर। मैं नहीं कह रहा, अगला कोई कह रहा है। अब वो कहता है कि वो अपनी चाल को 2 मीटर पर सेकंड से बढ़ाता है, एक वही व्यक्ति है, चाल कितनी होगी v प्लस टू। तो दोस्तों e फाइनल क्या हो जाएगा, हाफ एम वी प्लस टू का होल स्क्वायर। तो अब वो कहता है कि उसकी गति ऊर्जा क्या होगी, दुगनी होगी। पेज खाली करना, गति ऊर्जा क्या होगी, दुगनी। e फाइनल बराबर 2 गुना e इनिशियल। देखो लैंग्वेज आप आने चाहिए। आपको अगला साफ कहता है, पहले कोई वेग v है, फिर मैंने v को कितना बढ़ाया 2 मीटर पर सेकंड, तो कितना बना v प्लस टू। तो अब जो एनर्जी है वो पहले की डबल हो गई, तो e फाइनल इक्वल टू, अब तू जानता व्हाट इज e फाइनल, हाफ m v प्लस टू, v प्लस टू का होल स्क्वायर इक्वल टू टू हाफ m का रहेगा, और ये क्या है v स्क्वायर, हाफ m से कैंसिल आउट कर दे, ये क्या बचा तेरा v प्लस टू का होल स्क्वायर इक्वल टू 2v स्क्वायर, रूट कर ले भैया, तो v प्लस टू इक्वल टू रूट 2v, इधर लिया इसको, उसको इधर लेना पड़ेगा, बड़ा वो है रूट 2v माइनस v इक्वल टू क्या है, तो 2v को दोस्तों एक मिनट यहां कर दो, v को बाहर निकालेंगे तो क्या बचा रूट टू माइनस वन इक्वल टू क्या है 2, तो v इक्वल टू क्या बचा 2 अपॉन रूट टू माइनस वन, बट शायद ऐसा इसमें आंसर नहीं है, ऑप्शन ना yes. अब इसमें ऐसा आंसर नहीं है, आजा आगे चल, तो ऐसा आंसर नहीं है तो मुझे पता नहीं किसने किया मैंने, तो दोस्तों रूट टू प्लस वन से ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, रूट टू प्लस नीचे मल्टीप्लाई कर दो, ऐसे करना पड़ता है। अब तेरे सामने टू है और ये तेरा रूट टू प्लस वन है, ये ए माइनस बी, ये ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, टू माइनस वन एक बच गया, तो दोस्तों दिस इज टू रूट टू प्लस वन। अब ऐसा आंसर है, ऐसा आंसर है, ये रहा जब तक तुम पेन से चित्र नहीं बनाएगा तो देख, हम हर क्वेश्चन का डायग्राम बना रहे हैं, इंडिकेट कर रहे हैं, उसके बाद हम क्वेश्चन पे आ रहे हैं। आगे चले, आजो डियर फिर, अरे ये शानदार क्वेश्चन है, देखो बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। 2 kg मास का पिंड पे बल लगाते हैं जिसकी स्थिति समय के साथ परिवर्तन है x3t2/5, इस बल द्वारा प्रथम 5 सेकंड में किया गया कार्य क्या है। देख लड़के लड़के लड़के, यू लगता है मक्खन खा रहे हैं यार। W=Δ K, व्हाट इज के, के फाइनल माइनस के इनिशियल, व्हाट इज के फाइनल, हाफ एम वी फाइनल का होल स्क्वायर, एम वी इनिशियल का होल स्क्वायर। अब मेरे को एक्स दे दिया, मैं अच्छी तरह जानता हूं दोस्तों एक्स का एक बार आउटपुट डिफरेंशिएट करते क्या बन जाता है, वी एक बन जाता है बस। तो आजा भैया, इसका एक बार गले डिफरेंशिएट क्या बन गया, 60 बन गया। अब अगला साफ कहता है इस बल द्वारा प्रथम 5 सेकंड में, तो प्रथम 5 सेकंड का मतलब यह है जब टी बराबर 0 रखेगा तो वी इनिशियल क्या हो गया 0, और जब टी बराबर 5 रखेगा तो वी फाइनल क्या हो गया, बोला किशोर सर 30 बस, वेरी गुड कर दे। तो देखे वी इनिशियल 0 हो गया ना, ये तो तेरा 0 हो गया, हाफ एम कितना बोला किशोर सर 2 kg, और ये तेरा वी फाइनल का स्क्वायर 900 दोस्तों 900 आंसर आ गया, सुन आ गया W=2 आंसर क्या आ गया 902। ये प्रैक्टिस के बारे में आप लोग बार बार करके हैं, ठीक है, आगे चलिए। फिर बिल्कुल फिर देखो एक क्वेश्चन है, डांस करो, एक दौड़ते हुए मनुष्य की गतिज ऊर्जा उस लड़के की गतिज ऊर्जा की आधी है। सुनो 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 सुनो, इसको बड़ा बना दो, इसको छोटा बना दो, इसको मास है मान लो
मास कैपिटल मान लो, कैपिटल मान लो इसको, स्मॉल है इसको, स्मॉल है, छोटा तो छोटा मान लो, बड़ा तो बड़ा, ठीक है। एक दौड़ते हुए मनुष्य गति ऊर्जा उस लड़के की गति ऊर्जा की आधी है, जिसका द्रव्यमान मनुष्य के द्रव्यमान का आधा है, जिसका द्रव्यमान मनुष्य के द्रव्यमान का आधा है। अब आ जा भैया, ए हाफ तो वेलोसिटी दोनों के समान नहीं हो सकती, तो हाफ कैपिटल एम वी मैन स्क्वायर इक्वल टू हाफ स्मॉल एम, स्मॉल एम वी बॉय का स्क्वायर। लेकिन ऐसे आगे सुन, जिसका द्रव्यमान गति ऊर्जा लेता है, देखो एक दौड़ते हुए मनुष्य की गति ऊर्जा उस लड़के की गति ऊर्जा की आधी है, लड़के की गति ऊर्जा की आधी है, इसका मतलब वन बाई टू, वन बाई टू का बिल्कुल ठीक है। मैंने आज का चित्र बना दिया, जैसे मैंने खेल बीच में इसका एम, इसका स्मॉल एम जो बाद में पुट करूंगा मैं, अभी क्या कहता है, ए रनिंग मैन हैज हाफ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ दैट ऑफ ए बॉय ऑफ हाफ ऑफ हिज मास। तो साफ साफ कहता है कि आदमी की गतिज ऊर्जा लड़के की जो भी गतिज ऊर्जा उसकी आती है। ओके डियर, अब आगे चल थोड़ा सा, अब एक काम करता है, ये एम ये तेरा कैपिटल एम करते वी एम स्क्वायर, ये तेरा एक बट्टा चार, ये एम क्या है कैपिटल एम बाई टू, यस, और ये क्या है वी वी का स्क्वायर, तो कैपिटल एम बाई टू से कैपिटल बाई टू काट दे, तो तेरे सामने पेज खाली करना भी एक बार, तो ये क्या बन गया वी एम स्क्वायर इक्वल टू वी वी स्क्वायर बटा चार, और ये किसका आ गया, या यूं कह सकता हूं मैं वी एम इक्वल वी बी इक्वल टू यस टू बी एम, बोल रहा है वी बी इक्वल टू टू बी बी आया। अब वापस क्वेश्चन में आ जा, अब वो कहता मनुष्य अपने चाल को एक मीटर पर सेकंड बढ़ा लेता, मनुष्य मतलब आदमी, आदमी आदमी अपनी चाल को ध्यान दे कैपिटल एम, आदमी अपनी चाल वी मैन एक मीटर इसको एक जोड़ दे बढ़ा लेता है, तो उसकी एनर्जी लड़के की एनर्जी के बराबर हो जाती है। लड़के की एनर्जी के बराबर का मतलब है एक बट्टा दो एम वी बॉय का स्क्वायर। बिल्कुल, मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, हकीकत में कुछ नहीं कर रहे हैं हम लोग, केवल चौथी पांचवी क्लास के मैथ की टीचर को पढ़ाए हुए काम कर रहे हैं हम लोग। बस एम बाई टू कैंसिल आउट करो, ठीक है डियर, ये तेरा क्या है वी एम प्लस वन का होल स्क्वायर अपॉन बस। और अब क्या पूछता है, मनुष्य की प्रारंभिक चाल पूछ रहा है, मैन की चाल पूछ रहा है, तो पेज खाली कर दे भैया। अब तेरे सामने एक संबंध तो ये आ गया, क्या संबंध है वी एम स्क्वायर इक्वल टू वी बी स्क्वायर बटे चार, चाल किसके पूछे गए ने मनुष्य की, तो वी बी को वहां से गाइड करो, तो जहां वी बी लिखा हुआ है या वी बी स्क्वायर लिखा हुआ है, जहां वी बी स्क्वायर लिखा हुआ है वहां मैं क्या कर दू दो वी एम प्लस वन का होल स्क्वायर बटे चार, बोलो जोर सब, यस, जहां वी बी स्क्वायर लिखा हुआ था वहां मैं क्या कर दूंगा टू वी एम प्लस वन का होल स्क्वायर। ओके डियर, अब तेरे सामने सामने कैंसिल आउट हो गया, इसको इधर ले ले, ये क्या है टू एम वी एम स्क्वायर और ये तेरा वी एम प्लस वन का होल स्क्वायर, होल स्क्वायर। ओके डियर, अब आप इसका रूट कर ले, रूट करोगे तो क्या बनेगा रूट टू वी एम वी एम प्लस वन, वही बात इधर ले ले इसको, वी एम को बाहर कॉमन निकाल, ये तेरा वही रूट टू माइनस वन इक्वल टू वन है, तो तेरा वही कहानी एक बट्टा रूट टू माइनस वन है, बट ऐसा क्यों ऑब्जेक्ट नहीं इसमें ना, यही हिस्सा है ऐसे, हाँ इस बारे में ये है, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ थोड़ा क्या है, तो ठीक है, एक मिनट आगे चल, इसका भी हाँ उस तरह से, एक मिनट इसका भी दोस्तों ऐसे कर सकते हैं, इसका आंसर ये था, इसका भी आंसर अपन एक्सचेंज कर सकते हैं, इसको रूट टू प्लस वन से ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, रूट वन से ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, तो रूट टू प्लस वन बटे एक ही बात है, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे, ठीक है yes. आगे चलो, क्वेश्चन नंबर 21, फिर हमारा लाडा प्रश्न आ गया, वी वेग से गतिशील एक वस्तु के मोमेंटम और काइनेटिक ऊर्जा समान है, तो वी का मान क्या भाई, क्या बात है, एक वी वेग से गतिशील वस्तु के संवेग वस्तु वही है ना, तो मास तो चेंज वाई मास, तो पी इक्वल टू क्या है एम वी, एम वी, और एनर्जी इक्वल टू क्या है हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर। अब वो कहता है दोनों समान है, दोनों समान है, तो एम वी बराबर कुछ क्वेश्चन नहीं है यार,
हाफ एम यू स्क्वायर, एम से एम कैंसिल आउट कर दो, वी से वी कर दो, तो वी क्यूब क्या आ गई, दो आ गई, वी क्यूब क्या आ गई, दो। ये लैंग्वेज के क्वेश्चन, ये किस वक्त क्वेश्चन बढ़ा रहे थे तो ये डिस्कस था कि बॉस अपने एक लैंग्वेज बनाते हैं क्वेश्चन की, क्वेश्चन बन जाता है एग्जाम में। ओके डियर, थैंक यू, आगे चले। ये इसको समझे यार, ये नीट से ऊपर लेवल का क्वेश्चन है, और ये जिस नीट में आ जाएंगे ना, नीट की कट ऑफ बड़ा 610 नहीं जाएगी रे, नीट की कट ऑफ वापस वही 540 आ जाएगी भैया। ऐसे 10 क्वेश्चन नीट में आ जाए ना तो कट ऑफ 500 आ जाए, गारंटी मेरी। नीट की कटो पे फीस बढ़ाती है इजी देखिए। ये देखो सुनो किशोर सर, इसको बटन से कभी गुरबा बेटे मिलके देखो दोस्तों, साफ कहता है चित्र में दिखाए अनुसार एम द्रव्यमान का एक गुटका एक प्लेटफॉर्म पे रखा हुआ है। तो हम सब जानते हैं दोस्तों एक फोर्स लगता है एमजी, एमजी किधर लगता है डाउनवर्ड, एमजी लगता है नीचे की ओर और उसका एक रिएक्शन होता है एन ऊपर की ओर, सब जानते हैं, कोई कहने की बात नहीं। अब वो कहता है कि सारा ताम झाम जो है ना ये जी बाई टू वेग से कहां जा रहा है, ऊपर जा रहा है त्वरण से, सॉरी जी बाई टू त्वरण से ऊपर जा रहा है। दोस्तों कॉमन सेंस की बात है, ऊपर जा रहा है तो इसका रिएक्शन भी क्या आएगा, नीचे की, तो इसके ऊपर एक तरह से दो प्रकार के फोर्स काम कर जाएंगे। अब वो कहता है गुटके पे लगने वाले अभिलंब प्रतिक्रिया बल के द्वारा टी समय में किया गया कार्य बताना। तो कार्य दोस्तों पहली बात तो ये है कि अभिलंब बल के द्वारा कार्य बताना, कार्य पॉजिटिव आएगा बिल्कुल। अब जब साहब कहता है वर्क डन बाय नॉर्मल रिएक्शन, नॉर्मल किधर है ऊपर की ओर, मोमेंट किधर है ऊपर की ओर, तो कार्य पॉजिटिव आएगा। अब कितना कार्य आएगा उसके लिए अपन सब जानते हैं W इक्वल टू क्या होता है, F डॉट S, S ठीक है जी, F डॉट S, S। अब एक काम करें इस पेज को खाली कर दे भैया, अब दोस्तों इस पेज को खाली करके पूरी बात को समझे दो। ये आपकी एक बॉडी है जिसका मास है M, एम जी किधर है नीचे की ओर, ये सिस्टम पूरा G by 2 से ऊपर जा रहा है ठीक है डियर। तो हम क्या कहेंगे इसके ऊपर जो N है वो बड़ा किधर सिस्टम किधर जा रहा है ऊपर की ओर, तो क्या क्या बनाओगे भाई, एन माइनस एम जी इक्वल टू एम ए इक्वल टू एम ए, तो एन माइनस एम जी इक्वल टू एम ए, व्हाट इज एम ए, जी बाई टू, लड़के जान देना ये कितना है जी बाई टू, तो तेरे सामने सामने एन कितना आ गया 3/2 एम जी एम जी। ओके अब वर्क कितना है, वर्क डब्ल्यू इक्वल टू क्या है एफ डॉट एस, व्हाट इज एफ 3/2 एम जी 3/2 एम जी एम जी, एन हो गया मल्टीप्लाई एस, एस अब एस कितना है, एस निकालना पड़ेगा, एस निकालना पड़ेगा, तो एस में कौन से इक्वेशन काम लेंगे अपने, इसमें ये समान त्वरण से गति कर रही है, तो आप इसमें विस्थापन ज्ञात करना पड़ेगा टाइम के पदों में, टाइम के पदों में ज्ञात करना पड़ेगा, तो टाइम के पदों में ज्ञात करेंगे तो फॉर्मूला क्या काम लेंगे अपने, एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। कंडीशन क्या थी, विराम अवस्था में शुरू हुआ था जीरो, हाफ ये कितना भैया जी बाई टू हाफ वो कितना है जी बाई टू टी स्क्वायर, तो दोस्त टी का मान क्या आ गया टी स्क्वायर, सॉरी टी में टी स्क्वायर क्या आ गया 4s बाई जी, तो s कितना आ गया s ये बनेगा sorry s क्या हो गया जी टी स्क्वायर बाई 4। तो दोस्तों अपन इसको यहां थोड़ा सा कलर चेंज करके दोबारा कर लें, तो तेरे सामने w इक्वल टू ये कितना है 3/2 mg इनटू g t² by 4 तो ये तेरे सामने आ गया 3/8 mg स्क्वायर t स्क्वायर, सुन आ जा 3/8 mg स्क्वायर, अच्छा एक माइनस है नहीं, माइनस का ऑप्शन नहीं है इसमें, नहीं है भाई चलो दिक्कत नहीं है, तो आपका आंसर क्या होगा इसमें सेकंड, ये दोनों प्लस माइनस होते तो थोड़ा सा माइनस लेना बस, नहीं तीन नहीं आ रहा, तो तीन अच्छा ये तीन नहीं, संख्या सेम नहीं है, संख्या सेम नहीं है बिल्कुल। ये है दोस्तों एक रियल क्वेश्चन, शानदार क्वेश्चन, थोड़ा सा इसमें दिक्कत रहेगी, टफ अच्छा क्वेश्चन है, एक बार नहीं पहले पढ़ाओ दोबारा देख लो वीडियो को, मैं एक बार पूरा डिटेल मार देता हूं आपके लिए, एम जी नीचे की ओर एन ऊपर की ओर, ये भी ऊपर की ओर, तो दोनों का डिफरेंस करके अपन इक्वेशन बना देंगे डब्ल्यू इक्वल टू एफ डॉट एस, एस एस निकालते हैं इसका, क्योंकि टी का दे दिया इसकी जरूरत थी मेरे को, थैंक यू आगे चलोगे। क्वेश्चन नंबर 23, 9 केजी मास का बम 3 और 6 केजी के दो टुकड़ों में टूटता है, 3 केजी का मास इतना है, तो देखो दोस्तों 6 केजी के टुकड़े की गति ऊर्जा, सुनो भाई ये बताओ सिंपल क्वेश्चन है, बंदूक से गोली वैसे टक्कर का गलत आ गया, बंदूक से गोली निकलती है तो गोली आगे जाती है yes. बंदूक पीछे आती है, तो हम कह सकते हैं M1 V1 बराबर M2 V2, यहां भी वही कहानी है,
फटने से पहले मास क्या, मोमेंटम क्या होता है? जीरो। दोस्तों फटने के बाद आप ये कह सकते हो एम ओ वन वी वन इक्वल टू एम टू वी टू। एम वन कितना भैया? 3 kg। 3 kg का मास कितना है? वेट 1.6। एम टू कितना है? 6 kg। ये तेरा कौन है? वी टू। ठीक है डियर, इसको इससे काट दे, ये टू ये इससे काट दे, वी टू इक्वल टू कितना आ गया? 0.8। तो कहता है 6 kg के टुकड़े की एनर्जी कितनी है? आ जाए यार एम वी स्क्वायर, एम कितना है? 6। वी स्क्वायर कितना है? 0.8 मल्टीप्लाई 0.8, इसको इससे कैंसिल आउट कर दे, ये 3, ये तेरा 8, 64। यस, और 64 को 3 से गुणा कर 18, 1.92 के आसपास, 1.92 जो तब गुणा कर लो यार। देखो ये सिंपल क्वेश्चन है, बम फटने का मतलब है कि बम पहले विरामावस्था में होता है, हमेशा जब भी कोई बम फटता है उसके पहले क्या होता हो? रेस्ट कंडीशन में होता है, और रेस्ट कंडीशन में वी जीरो है, तो बम के फटने से पहले का मोमेंटम जीरो, और समय उसके बाद का मोमेंटम जीरो। तो बाद का मतलब सारे कणों का जो मोमेंटम वो जीरो तभी हो सकता है जब वो दोनों ऐसे जाए, नहीं तो जीरो हो सकता है किसी कीमत पे। जितना इस संवेग से इधर जाए उतना उस संवेग से इधर जाए, ठीक है? इसको बोलते हैं रेखीय संवेग संरक्षण, लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन। आगे चले, दिए गए 4 कणों के संवेग समान हैं, तो किस कण की गतिज ऊर्जा? भैया मैंने आपको पहले पढ़ा दिया p इक्वल टू क्या है रे? रूट टू एम ई। अगला साहब कहता है 4 कणों के संवेग समान हैं, संवेग समान हैं, तो m डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रूट ई, या e डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रूट m। तो जिसका m सबसे कम है उसकी e ज्यादा है, सबसे कम m किसके? इलेक्ट्रॉन का, इलेक्ट्रॉन। इसी बात है कि प्रोटोन न्यूट्रॉन अल्फा का कौन होता है? इलेक्ट्रॉन होता है, तो सर्वाधिक किसकी होगी? इलेक्ट्रॉन की होगी। आगे चले, ये देखो दोस्तों, ये एक बहुत प्यारा क्वेश्चन है, और ये ट्रिक से करना होता है। देखो सुनो ध्यान से, ये कोई टेबल है, और इस टेबल पे ये एक चैन ऐसे लटकी हुई है, ठीक है दोस्तों? चैन की कुल लंबाई L है और कुल मास M है, तो चैन की एकांक लंबाई का मास क्या हो गया? कैपिटल M अपॉन L, ठीक है? L लंबाई का मास कैम है। अब देखो क्या कहता है, उसका 1/3 हिस्सा लटका हुआ है, 1/3 हिस्सा लटका हुआ है, तो दोस्तों ये इसका सेंटर ऑफ मास है। अब इस हिस्से को देखो, वो कहता इस हिस्से को ऐसे ऊपर खींचो तो मुझे कितना कार्य करना पड़ेगा? तो मेरा कार्य ये पोटेंशियल एनर्जी का चेंज होगा mgh, लेकिन m कितना? इतना ही m। कितनी लंबाई है? m/3। तो मास आएगा दोस्तों यहां m/3 g। h कितना? टोटल कितनी है लंबाई? l/3। तो दोस्तों आधा लेना है l/6। दिस इज l/6, ओके डियर। इसको आप कह सकते हैं कैपिटल m क्या है? m/l आपके सामने हो गया, तो तेरे सामने 18 हो गया, तो दोस्तों दिस इज mgl/18। ये स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, जो लंबाई लटकी हुई है उसका मास, तो टोटल l का मास कैपिटल m है, तो l3 का मास क्या हो गया? m3, कैपिटल m हो गया, सिंपल बात, कैपिटल m थी, एक खास बात नहीं है। और लेंथ क्या लोगे? सेंट्रो मास बीच में होता, फोर्स कहां लगेगा? सेंट्रो। तो ये l/3 के किसके काम आएगी? l/6। इसके कई तरीके और भी गाइड होंगे, हम चक्कर में, हम नीट के स्टूडेंट, बिल्कुल शॉर्ट में ही है, आईटी के नहीं है हम, ओके थैंक यू। आगे चलो, फिर पहला क्वेश्चन आ गया, किसी कण पे y डायरेक्शन में f लग रहा है 20+10y। इस कण को 0 से 1 तक जाने में किया गया कार्य, भाई साहब अरे यार मजा जाता है, एफ डी वाई कहां से कहां रहे? 0 से 1। तो अब भी समाक करना नहीं सीखा क्या यार? तो बता क्या करूं जरा मैं, अब तो सीख ले यार। एफ वेरिएबल है ना, एफ वेरिएबल है, कहां से कहां? 0 से 1 तक, बस आ जा। W इक्वल टू 0 से 1 व्हाट इज एफ? 20+10y। किसके डिफरेंस सापेक्ष? वाई डी वाई के सापेक्ष आ जा। W 20 का क्या होगा? 20y। y का क्या होता है? y स्क्वायर। तो दिस इज 10y² / 2। कहां से कहां रहे? 0 से 1। तो तू जानता है दोस्त अपर माइनस लोअर, तो तू क्या कहेगा? 20 × 1 प्लस वो 5y² है, 5 × 1 माइनस क्या है? 0 + 0। इतना कितना है? 25। आंसर क्या आ गया? 25। ओके डियर, आगे चल। फिर एक संरक्षणी का एक कंजर्वेटिव फोर्स में इस ऊर्जा U इक्वल टू है x² - 3x, तब इसकी साम्य अवस्था, भूल गए कुछ नहीं करना, ओ यार साम्य अवस्था है बिल्कुल 0,
एफ इक्वल टू जीरो बोल, चाहे डी एक्स बाई डी जीरो बोल, तो इसका अवकलन कर दे, दिस इज टू एक्स माइनस थ्री इक्वल टू जीरो, ओ मेरे दोस्त एक्स इक्वल टू थ्री बाई टू, आंसर आ गया हाँ, है ना आसान फिजिक्स। U का मान दिया हुआ है, इक्विलिब्रियम पूछता है, तो F का मान जीरो कर दो, चाहे du by dx का मान जीरो कर दो, जीरो एक्स इक्वल पुट कर दो, सिंपल इक्वेशन हो गया। आगे चलो, ये है इस क्लास की जान, ये है क्यों, बिल्कुल शानदार, ये सब शानदार, ध्यान से सुनो क्वेश्चन को, मन से बैठ जाएगा। एक बल है F x i कैप y j कैप, यार इस बल का एक हिस्सा x पे लग रहा है और एक हिस्सा y पे लग रहा है। कण a एक जीरो से लेके जीरो एक तक जा रहा है, तो इसके द्वारा किया गया कार्य बताएं। एक बार पेज खाली करना, देखो दोस्तों w का फॉर्मूला होता है f डॉट dx, इस तरह से हम कर देते हैं, लेकिन इसको आप और ढंग से मॉडिफाई करो तो आप जानते हो एफ एक्स आई कैप, एफ वाई जे कैप और एफ जेड के कैप, इसको पूरा ढंग से रखो दोस्तों, तो इसको ऐसे लिखा जाता है, इसको आप एक्स वन से एक्स टू करके एफ एक्स डी एक्स लिखो, इसको आप वाई वन से लेके वाई टू तक एफ वाई डी वाई लिखो, इसको आप बोलो कुछ तो नहीं कर रहा हूं, जेड वन से जेड टू करके एफ जेड डी जेड, रियल फॉर्मूला ही है इसका, क्लियर। अब मैं क्वेश्चन कहता हूं, क्या कह रहा है क्वेश्चन, तिरुकारी जी आ जा, डब्ल्यू इक्वल टू माइनस, ठीक है एक्स, तो इसको तो ऐसे लगा एक्स डी एक्स आई कैप एक्स वन से एक्स टू प्लस एफ वाई वाई, ठीक है इसको डीएक्स 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 एफ वाई डी वाई डी वाई और वाई वन से पॉइंट वाई, ये डीएक्स लिखा होगा कभी एफ एक्स डीएक्स, इसका माइनस सिक्स आ गया पहले से। अब आप देखो पुत्रो, ये माइनस का चिन्ह तो है ही, एफ एक्स क्या है एक्स, एक्स ही एक्स, तो ये आप क्या करो एक्स किसके सापेक्ष, डीएक्स सापेक्ष, कहां से कहां, इनिशियल से फाइनल, इनिशियल कितना है वन, फाइनल है जीरो, यस क्लास। वाई क्या हो, तो एफ वाई क्या है वाई, वाई किसके सापेक्ष डी वाई, इनिशियल क्या है जीरो, फाइनल क्या है और पुत्र किशोर, बिल्कुल आज की क्लास का श्रेष्ठ कह सकते हो दोस्तों, पर यहां से यहां गए तो एक्स क्या है एक, फाइनल क्या है जीरो, वाई अग्नि से क्या है जीरो, कहां पे गए एक पे, बस अब इसका पेज खाली कर ले, आ जा अब तो तेरे सामने सामने है, इसको मिटा तेरे लिए, मैं इसको मिटा के मेरे लिए डब्ल्यू इक्वल टू माइनस, इसका तो माइनस में छोड़ना, ये माइनस ये तेरा एक्स स्क्वायर बटे दो, कहां से कहां एक से जीरो, और ये तेरा क्या है वाई स्क्वायर बटे दो, कहां से कहां जीरो से एक, जीरो से एक, आ जा डब्ल्यू फाइनल माइनस इनिशियल, तो फाइनल तो फाइनल माइनस सॉरी सॉरी नॉट फाइनल, अपर माइनस लोअर, अपर क्या हो गया जीरो, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, एक्स स्क्वायर बटे दो प्लस वाई स्क्वायर बटे दो, आना क्वेश्चन आना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटे दो, ये दोस्तों आपका इसका क्वेश्चन होगा। अब एक्स क्या है एक, वाई भी क्या है एक एक, तो एक बट्टा दो प्लस एक बट्टा दो, दोस्तों आंसर क्या होगा इसका वन वन, एक्स भी तो एक है ना वाई भी एक है, तो हाफ हाफ क्या हो गया वन वन, दोस्तों इसका आंसर आ गया। ये मेरी निगाहों में इस आज के लेक्चर का एक श्रेष्ठतम एक बेस्ट क्वेश्चन कह सकते हैं दोस्तों, इससे अच्छा क्वेश्चन मेडिकल नहीं आ सकता, बिल्कुल बिल्कुल बहुत, ये इसका इसको आप ऐसे कह सकते हो, फिर से कहना चाहो तो दिस इज एफ एक्स आई कैप एफ वाई जे जे कैप, बड़ा सुंदर क्वेश्चन था, क्लियर ओके थैंक यू, आगे चलो, ये उससे सोना है बिल्कुल। देखो दोस्तों एफ और एक्स के बीच वर्क है, अब वर्क में दोस्तों कोई वर्क लाइन के ऊपर है कोई वर्क लाइन के नीचे है, इसका मतलब क्या हुआ, ऊपर वाले को प्लस मानना पड़ेगा नीचे वाले को माइनस मानना पड़ेगा, और जोड़ का क्योंकि वर्क पे प्लस है पे वर्क माइनस है, तो अब ऊपर इसको लेके चलें तो सबसे पहले आप इसका एरिया निकालो, तो पहले इसका टोटल एरिया निकालो एक बट्टा दो, मैं जो क्वेश्चन पढ़ दो आप क्वेश्चन पढ़ो बढ़िया। अगला कहता चित्र में एफ के प्रभाव में एक बल क्रियाशील है, एक कण गति कर रहा है,
अक्ष के अनुसार उसका सीन बदल रहा है। अक्ष जीरो पे कर्ण की गति 25 जूल है, अक्ष जीरो पे कितनी है 25 जूल है, अक्ष 16 मीटर पे इस कर्ण की गति क्या होगी। तो मेरा सीधा फॉर्मूला है डब्ल्यू बराबर के फाइनल माइनस के इनिशियल। व्हाट इज डब्ल्यू? एरिया, बोलो बोलो किशोर बोल रहे ना, व्हाट इज डब्ल्यू? एरिया, एरिया बात तो वही है ना। साफ कहता है पार्टिकल इज एक्टेड अपॉन बाय फोर्स एफ व्हिच वेरी विद पोजीशन एक्स एज शोन इन फिगर। इफ द पार्टिकल एक्स जीरो हैज काइनेटिक एनर्जी 25 जूल, दिस इज 25, हेलो दिस इज 25, देन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल एट एक्स 16 मीटर पे आपको निकालनी है। एरिया क्या करेगा? वर्क किसके बराबर है? एरिया, एरिया निकाल, पूरी बात कर ले, 1/2, ऊंचाई कितनी है 10, ये कितना है 6, सीधा कर दो, 10 से 6 कितना हुआ 60 प्लस, ये कितना है 4, ये कितना है 5, 20 माइनस, चिन्ह किसका आएगा माइनस 20, माइनस का चिन्ह किसका आएगा माइनस, माइनस का यहां पर चेंज करना पड़ेगा, चिन्ह आएगा माइनस का 20। ओके डियर, फिर आगे चल, फिर तेरे सामने ऊपर आ गया वापस से, तो प्लस कितना भैया ये 4, ये कितना है 5, फिर तेरा आ गया प्लस 20, ये नीचे आ गया तेरा भैया ये क्या दे 2, कितना है 5, तो माइनस का 10, तो ये दोनों कट गए, ये कितना बचा 30, ये माइनस 10 कितना बचा 20, तो डीएम ये पेज खाली करना भैया, तो एरिया कितना हो गया दोस्तों इसका 20। व्हाट इज के फाइनल? पता नहीं है। व्हाट इज के इनिशियल? 25। तो दोस्तों के फाइनल क्या आ गया 45। आंसर क्या देखा ना, के फाइनल क्या हो गया 45, आंसर क्या हो गया 45 आया ना। एरिया वर्क है, बट इसमें ऊपर और नीचे के वर्क को माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि थीटा फोर्स एक बार साथ लग रहा है, एक बार फोर्स आपके विपरीत लग रहा है। ओके डियर, थैंक यू, आगे चले। हाँ डियर, क्वेश्चन नंबर 30, किशोर सर पोटेंशियल एनर्जी की बात अपन यहां से आज अपन नहीं की, एक बार सुनो भाई, स्थिति ऊर्जा की बात हम कल करेंगे, बाकी इसकी शुरू थ्योरी बताता हूँ, आप एक बार समझा दे, बाकी इस पर कल पूरी बात करेंगे। इसमें अपना क्वेश्चन है द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम increases if work is done। तो बेसिक सी बात ये है कि पोटेंशियल एनर्जी का सीधा रिलेशन होता है संरक्षित बलों के साथ। तो एक मिनट इसको काट दे और इसको काट दे, तो दो और चार तो गए, क्यों गए? क्योंकि कौन आ गया? नॉन डिग्रेडिव फोर्स आ गया, दो गए। अब बात रही संरक्षित की, तो जैसे सिंपल अपन बात करते हैं, मान लो अपने पास एक स्प्रिंग है, तो एक स्प्रिंग मान लो मैंने यहाँ फिक्स कर रखी, इसका सिर आपका फ्री है सर, यदि इसको मैं यहाँ से खींचता हूँ या इसको मैं कंप्रेस करता हूँ, यानी मैंने इसे बाहर से कार्य किया, ठीक है, तो जो बाहर से कार्य करता हूँ वही इसमें क्या कंजर होता है, सही है। अब करता बाहर से कार्य कर रहा हूँ किसके अगेंस्ट कर रहा हूँ? संरक्षी बल के विरुद्ध। तो बहुत सिंपल सी बात है कि संरक्षी बल के विरुद्ध क्या क्या कार्य है हमेशा यू के रूप में स्टोर होता है, यानी बात बाय सिस्टम अगेंस्ट ए कंजर्वेटिव फोर्स की बात है, कार्य कौन करे? भाई संरक्षी बल के विरुद्ध, इसलिए इसका सही आंसर आपका थर्ड आ जाएगा। ऊपर जा रहा है कि दौरान, जब ऊपर जा रहा है तो पहली बात तो ऊपर जा रहा कार्य क्या होगा? नेगेटिव, ये तो फाइनल है, तो उत्तरी एक ही होगा, बड़ा आनंद है तो लेकिन करना पड़ेगा। और कितना कार्य करना होगा? तो दोस्तों अपन जानते हैं कि माना किसी एच हाइट की बात कर लो, तो आप जानते हो डब्ल्यू इक्वल टू क्या होता है? एफ डॉट एस। एफ क्या होता है? एम जी। एस कौन है? ऊंचाई। ऊंचाई क्या होती है? यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। तो आंसर क्या आ गया देख ले, m u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा और माइनस 2 आया, क्योंकि ये ऊपर जा रहा है और g आपका कैंसिल हो गया, नीचे की ओर है, ठीक है, सुबह से नेगेटिव देखते हो गया, पर सो जीरो भी जाएगी, प्रोडक्ट नहीं हो जाएगी, नीट के नीट में तो बच्चों को देखना नहीं है, माइनस आगे चलो कर देना दोस्तों। 32 नंबर क्वेश्चन जो है ना वो अपने आप में एक अच्छा सा लॉजिक देता है। क्वेश्चन क्या है? वो कहता है कि ए पार्टिकल ऑफ मास m स्टार्ट मूविंग फ्रॉम ओरिजिन वेट। मूविंग फ्रॉम ओरिजिन का मतलब x इक्वल टू स्टार्ट जीरो से y, और t तो जीरो होता है, होता है समय जब भी कोई, एंड इट्स वेलोसिटी वेरी विद, इसकी वेलोसिटी जो है वो दोस्तों x के साथ इस प्रकार से वेरी करती है। वो कहता है वर्क डन बाय फोर्स एक्टिंग ऑन इट ड्यूरिंग फर्स्ट t सेकंड। अब देखो बड़ा पंगा है,
दिया अक्ष है और वर्क पूछा है टी है, इसलिए भाई साहब पेज खाली कर इसको पूरे को सोल्व करना पड़ेगा। हम जानते हैं डब्ल्यू इक्वल टू होगा के फाइनल माइनस के इनिशियल, डब्ल्यू इक्वल टू अच्छे जानता है एम वी फाइनल का स्क्वायर माइनस एम वी इनिशियल का स्क्वायर। मुझे इसका वी फाइनल निकालना पड़ेगा, मुझे इसका वी इनिशियल निकालना पड़ेगा। ओके डियर बेटा, तो मेरे सामने वी इक्वल टू क्या है के रूट अक्ष, सामने सामने ये इसको नीचे ले लें भैया, और ये तेरा के डी टी इधर आ गया। जब मैं तेरे सामने पूरा करता हूं तो अब इसको देख, इस रूट एक्स को ऊपर ले ले, एक्स की पावर माइनस हाफ dx कहां से कहां है, जीरो से, जीरो से क्यों लिया, तो स्टार्ट कहां से हुआ, ओरिजिन पॉइंट से, इस k को बाहर ले लो, ये तेरा dt कहां से कहां, जीरो से t। अब देख इसका इंटीग्रेशन कर, तो x की पावर माइनस हाफ प्लस हाफ माइनस हाफ प्लस हाफ, ओ पुत्र कहां से कहां, जीरो से x इक्वल टू ये तेरा k t कहां से कहां, जीरो से t। अब इसको मतलब ओ मॉडिफाई करो तो क्या बच गया, रूट x Yes. ये क्या बच गया, टू ऊपर चला गया, इक्वल टू क्या आ गया, केटी आ गया, सीधी सी बात है, सिंपल बात है। इसको स्क्वायर कर ले काम कर, तो स्क्वायर करेगा तो अक्ष इक्वल टू क्या आएगा, के स्क्वायर टी स्क्वायर अपॉन फोर, अक्ष की वैल्यू आ गई के स्क्वायर टी स्क्वायर बाई फोर। अब दोस्तों मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए डब्ल्यू इक्वल टू हाफ एम वी फाइनल का स्क्वायर हाफ एम वी इनिशियल का स्क्वायर, मुझे भी फाइनल चाहिए, तो कोई बात नहीं आप इसका dx by dt करो, तो dx by dt करोगे तो क्या बनेगा, टू k स्क्वायर t स्क्वायर बटे चार। अब आप जानते हो कि दिस इज वी इनिशियल, सपोज करो तो व्हाट इज वी इनिशियल, टी जीरो, टी जीरो तो क्या हो गया जीरो। अब मुझे चाहिए वी फाइनल, तो वी फाइनल क्या होगा, टू k स्क्वायर कोई भी t अपॉन फोर, तो इस तरह क्या है k स्क्वायर t बटे टू। तो दोस्तों W इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर, उसका स्क्वायर, उसका k 4 t स्क्वायर बटे 4, उसका आंसर है m k 4 t स्क्वायर बटे 8, आंसर आना बेटा m k 4 t स्क्वायर बटे 8, दोस्तों आंसर आपका थर्ड उत्तर। तो इसमें एक बात ध्यान सुनना, इसमें आपकी मेरी इच्छा नहीं है, x में दिया था t में पूछा, मैंने t में कन्वर्ट कर लिया, ये प्रैक्टिस है करनी पड़ेगी आपको। ओके डियर आगे चले, ये उससे सोना क्वेश्चन, एम मास का एक ब्लॉक को एक रस्सी की सहायता से जी बाई सिक्स एक्सीलरेशन से अक्ष दूरी नीचे लाया गया, रस्सी द्वारा किया गया कार्य, देखो दोस्तों ये कोई रस्सी है ठीक है, ये कोई मास है, इसको आप नीचे ला रहे हैं, तो एक बात सुनो भाई, टी किधर लगेगा, ऊपर ऊपर की ओर, एम जी में से किधर लगेगा, नीचे की ओर, और रस्सी किधर आ रही है, नीचे की ओर, तो भैया एम तो क्या होगा, एम जी माइनस टी उधर ला तो एम जी mg minus mg by 6, तो दोस्तों ये आपके सामने सामने क्या आ गया, 5 mg by 6, ये t है, फोर्स हो गया, ये फोर्स हो गया, w equal to क्या है, फोर्स मल्टीप्लाई x, इसको x से मल्टीप्लाई कर दे, और साइन किसका आएगा, माइनस का, यस, क्योंकि तनाव बल द्वारा कार्य, तनाव बल द्वारा पूछा था कि फोर्स वर्क बाय टेंशन पूछा है, टेंशन किधर है, ऊपर की ओर, g किधर है, नीचे की ओर, तो माइनस का साइन आएगा m by g x मल्टीप्लाई कर दे, 5 ही रहा, 5 बटा 6 ही रहा, माइनस 5 बटा 6 mgx, दोस्तों ये आपका एक सुंदर सा क्वेश्चन हो गया। आगे चलें, तो आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन आ जा भैया, ये तो ये ग्राफ का मास्टर क्वेश्चन, देखो f और x के बीच ग्राफ खींचा, इसकी जो स्लोप है, इसकी स्लोप क्या होगी, du by dx, व्हाट इज du by dx, f, यानी इसकी स्लोप f को बता रही है, और दोस्तों हम अच्छी तरह जानते हैं f इक्वल टू होता माइनस du by dx, तो जब प्लस आएगा तो माइनस आएगा, तो ये आंसर होगा, देखो ये फिक्स है,
ये स्लोप फिक्स है, तो ये फिक्स रहेगा। फिर ये नीचे क्यों आया, एक्स इक्वल माइनस डी बाई डीएक्स होता है। तो ये आपके सामने क्वेश्चन था 34। ओके पूरा भाई, ओके डियर, गुरुनीति का वीडियो नंबर 7 कंप्लीट हो चुका है दोस्तों। दिवाली की छुट्टियों के बाद फिर शूटिंग शुरू हो गई, फिर से टेक हो गया है। अच्छा करें, बढ़िया करें, गुरुनीति के वीडियो देखें, सीएलसी क्लासेज ज्वाइन करें, सीएलसी की टेस्ट सीरीज ज्वाइन करें, और शाम 6:30 बजे सीएलसी सीकर और यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर लाइव आता हूं, वहां सुने, बात करें, लगे रहें। लॉकडाउन का दोस्तों कब खुलेगा कुछ पता नहीं चल रहा, मैं बात कर रहा हूं आपसे 18 नवंबर को। आज मेरे राजस्थान सरकार ने घोषणा की है कि 30 नवंबर तक राजस्थान क्लासे बंद है, पता नहीं खुदा जाने, अल्लाह जाने, राम जाने कब खुलेगी भैया। जब भी खुलेंगी ऑफलाइन स्टार्ट कर देंगे, बाकी ऑनलाइन पढ़े, मस्त रहें। जय जय सीएलसी, जय सीएलसी।